चलिए अब देखेंगे यहाँ पर लॉगरिदम, लॉग यानी लघु गणक, क्या है कहानी लॉग की, इसको जरा समझना होगा। लॉग क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी लॉग की, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं 2x = 4, इस पर जरा ध्यान दीजिए। और मैंने आपसे कहा कौन सा ऐसा 2 की पावर होना चाहिए जिससे वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो आप जानते हो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, आपका 8 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। 2x = 8, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, आप लिखते हो 2x = 2 स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम, इसी तरह से दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। लेकिन बेटा क्या आप बच्चे जानते हो कि अगर हम 2x = 3 कर देंगे, ध्यान देना, अब आप बच्चों के पास इसका जवाब नहीं है कि क्या x की पावर होनी चाहिए जिससे उसकी वैल्यू 3 आ जाए। लेकिन इसीलिए हम लेकर आए हैं लॉग, कि आप केवल 2x = 2 में ही x की वैल्यू बता पाते हो, 2x = 4 में ही x की वैल्यू बता पाते हो, 2x = 8 में ही x की वैल्यू बता पाते हो, 2x = 16 में ही x की वैल्यू बता पाते हो। लेकिन आज के बाद यहां पर 4 की जगह अगर 5 हो जाएगा तो आप अब शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो, अब आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी ऐसी x की पावर होनी चाहिए जिससे वैल्यू 5 आ जाएगी। यहीं पर हम लॉग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। देखिए क्या है, लॉग ने बताया कि कोई भी नंबर है a की पावर x, मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर है a की पावर x = b, तो क्या वो x की वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये b आ जाए a की पावर। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं x = जिसे हम ऐसे लिखते हैं log b और टू द बेस a, ये चीज होनी चाहिए x, यहीं से कॉन्सेप्ट आया log का। यानी यहां पर जो x की पावर होगी हमारी वो इतनी होगी, और इसकी वैल्यू लॉग टेबल होती है, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है a की पावर x। अच्छा देखो, इसका मतलब ये हुआ, आप दोनों तरीके से समझिएगा, अगर लॉग में दिया है तो ये इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने ये सिंबल बनाया और एक ये सिंबल बनाया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर लॉग से फ्री करना होगा, लॉग से फ्री करना होगा तो लॉग से फ्री करने का तरीका क्या होगा जरा सीखेंगे। यानी यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये आपको b = क्या लिख सकते हो, जो लॉग के आगे लिखा है b = और ये क्या होगा a की पावर x। तो बात तो वही है ना, a की पावर x = भाई लॉग से फ्री कर रहे हो तो बात वही है। यानी लॉग से फ्री करने का मतलब कैसे करोगे लॉग से फ्री, यानी एक प्रकार से इस नंबर की इतनी पावर होगी तब उसकी वैल्यू b होगी, बात तो वही है भाई, इस नंबर की इतनी पावर होगी तब वो बी हो। जैसे अगर मैंने कहा लॉग 8 2 कितना होगा बताओ, अब खुद बताओ 2 की कितनी पावर होनी चाहिए कि 8 आ जाएगा, तो 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 3 हो गया। तो याद रखेंगे लॉग बी टू द बेस ए, कभी अगर x दिया है तो केवल मात्र इतने ही कॉन्सेप्ट से हम खूब सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर ध्यान देना, पावर में अगर कभी कोई चीज़ पूछी जा रही है, इधर कोई 2 नंबर हैं तो वो पावर आप बता सकते हो, लेकिन वो अगर ये अगर इस तरीके से है यानी इसकी नेचुरल नंबर पावर पर ये वैल्यू आ रही है तो निकालना आसान होगा। लेकिन नहीं, अगर ये वो नहीं है, जैसे 3 की पावर x = 81, तो ये आप जानते हो 81 है तो आपको मालूम है 3 की पावर 4 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 82 लिख दें तो अब इस लॉग के कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कौन सी वो x की वैल्यू होगी, तो क्या होगा बताओ उसकी वैल्यू x = log 82 base 3, ये होगा log 82 base 3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब इस पर पहले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, पहले बेसिक लॉग का कॉन्सेप्ट है कि a की पावर x = b, और आपको बता दें कुछ हम पॉइंट्स लिखाएंगे जिनको प्रॉपर्टी भी लॉग की कह सकते हैं, लगभग 11-12 जितने भी होंगे पॉइंट्स, अगर आपने उनको एक
मतलब कलेक्ट कर लिया, समझो पूरा लॉक का खेल उन्हीं से होना है बेटा, पूरा लॉक का खेल उन्हीं से होना है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, केवल लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो एक भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। केवल आप ये ध्यान रखना उस कॉन्सेप्ट, मतलब उन पॉइंट्स पर केवल अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। हम चाहें तो सारे यहाँ पे लिखा दें पॉइंट्स, जितने भी 11-12-13 जितने भी पॉइंट्स होंगे इन लिखा दें, तो क्या लॉक उतने से ही ख़त्म हो जाता है? लेकिन बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन आपसे लगेंगे। ऐसा नहीं कि 12 पॉइंट्स सिखा दिया तो आपका हो गया पूरा लॉग, ऐसा नहीं। तो चलिए आइए हम यहाँ पर सीखेंगे, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर बताओ। एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन में लिखा है 5e(x-1)2, और मैंने आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दी से नोट करते जाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए एक्स का मान क्या होगा, फटाफट बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर बहुत इजी है बेटा, 5e(x-1)2 है, तो बहुत आसान है। पावर इक्वल टू लिखोगे, राइट साइड में जो भी नंबर है उसको नंबर को लॉक के आगे लिखना है। हैबिट बनानी है। पावर इक्वल टू, जो आगे नंबर लिखा है इक्वल टू में, उसे लॉक के आगे लिखना है। बेस में इस 5 को लिखना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 बेस 5 प्लस का 1। ये हमारा x की वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हो गई बात क्लियर, क्लियर हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। आगे एक और क्वेश्चन देंगे, तो ये बेसिक है हमारा, ये पहला पॉइंट याद रखना है, बेस यहां से ही लॉग का शुरुआत होता है। समझ गए होंगे कि आप पावर कौन सी पता करना चाह रहे, कौन सी ऐसी पावर है जिसको ये इसको पावर लगा दें बी आ जाएगा, तो वो ये हुआ है पावर। घबराना नहीं है, आज तक क्या था 2e(x) की वैल्यू 4 तक ही, हाई स्कूल या 9th तक क्लास तक 2e(x)(8) ये हो गया, ऐसे सवाल ही नहीं बनेगी इसमें x की वैल्यू लॉग के टर्म में निकाल के दिखाएं। लेकिन वास्तव में यहीं से लॉग की शुरुआत हुई। पता कैसे किया जाए यार कि कौन सा वो पावर होनी चाहिए जिससे उसकी वैल्यू 5 आ जाए? तो वो पक्का है नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन वो जो भी होगा वो लॉग के टर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आंसर आ गया ना। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे और इसका ऑप्शन आपको बताना होगा, तो याद रखना है क्या होगा, आदत बनाइए, जैसे हमने आपको आदत बनाई है, आदत बनाना है। जैसे अगर मान लो कुछ भी लिख दे, जरूरी नहीं है कि पावर एक्स, कुछ भी लिख दे, L(y)(n), क्या वाई बता सकते हो? वाई इज इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड में जो नंबर है उसको लॉक के आगे और बेस में L, ये हो जाएगा बेटा, ये हमारा लॉक के टर्म में कंसेप्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे a(x)= आपका b दिया हुआ है, तो x=log(b)(a), यानी आपको एक प्रकार से ये भी समझ में आना चाहिए लॉग से फ्री करने का स्टाइल। एक प्रकार से देखो इसको क्या महसूस करोगे, देखो इधर इसी चीज से तो बना है, देखो इधर सुनो जरा, इधर देखो बेटा, इसका मतलब इसकी पावर अगर ये कर दोगे तो ये आ जाना चाहिए, यानी यहां पर मुझे ऐसा लिखना है कि इसकी पावर, जैसे अगर मैंने कहा लॉग, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 16, 2, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्योंकि कितनी पावर होनी चाहिए, 4 आ गया आंसर। अब आपको यहां से मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर सकता हूं कि लॉग 1 आपने सुना होगा, रटा है, बार बार आपने रटा है कि लॉग 1 की पावर जो होती है, कोई भी बेस हो, ये लॉग 1 यानी 0 होता है। तो अब आपको ये फील हो रहा होगा ऐसा क्यों, यहां पर ऐसा मुझे क्या नंबर लिखना चाहिए जिससे मैं एक ही पावर में रख दूं उसका मान 1 आ जाए? तो जाहिर सी बात है 0 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग 1 तब, मतलब लॉग 1 अगर बेस में 5 है, तो ये लॉग 1 की जो वैल्यू क्यों कहते हैं हम 0 होगी, क्योंकि 5 की क्या पावर होनी चाहिए जो क्या करेगा उसका मान 1 कर देगा, तो 0 होनी चाहिए। तो इसलिए याद रखेंगे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है लॉग 1 हमारा 0, इसे बॉक्स में डाल दीजिए और याद रखना है लॉग 1 इक्वल टू 0। वो तो आपने रटा था, लेकिन आज आपको फील हो रहा होगा कि हाँ यार यहां पर वो नंबर लिखना होगा कि इस पर वो पावर लगा दे तो इतना बन जाना चाहिए उसका मान। अच्छा चलो, एक तो ये हो गया,
अब ये बताइए log a टू द बेस a, ये भी आप लोगों ने सुना है 1 होता है, क्यों होता है, यानी a की पावर कितनी कर दें कि वैल्यू 1 आ जाए, तो 1 ही होगी। a की पावर जब 1 करोगे तभी उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, यानी लॉग में कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो एक प्रकार से वो पावर है। ये चीज़ जो लॉग में लिखा है ये वास्तव में पावर है, देखो ये पावर ही तो है, x का मतलब वो पावर की वैल्यू है, ठीक है। तो याद रखना है लॉग का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और आपको मजा आने वाला है, आप क्योंकि पहली बार जो लॉग पढ़ रहे होंगे वो नई नई चीज़ें उसको सिखाएंगे, ये वाले छोटे छोटे बातें नहीं बताएंगे, ये तो दुनिया जानती है, लॉग एम प्लस लॉग एन ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं लॉग। लॉग में बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे ऐसे सवाल जो इतने जानने से भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उन सब के लिए मैं लॉग पढ़ा रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर पहली हमने ये पॉइंट क्लियर किया, लॉग वन हमारा आज के बाद, लॉग के आगे वन लिखा है, बेस कुछ भी होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी, और लॉग के आगे जो नंबर है अगर वही बेस में लिखा है तो भी वैल्यू वन होगी। आइए आगे इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव और इसका आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि एफ, ये आपको क्वेश्चन दिया है, 5 की पावर 2 - x = 3 और आपसे पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी हमें x की वैल्यू बतानी। पूरा नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा। एक ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इनका आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है log 3 टू द बेस 5, दूसरा ऑप्शन है log 5 टू द बेस 3 2 - दूसरा ऑप्शन है 2 - log 3 टू द बेस 5 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी आपको पावर को कैलकुलेट करना हो तो वो लॉग के ही टर्म में आपका आएगा, बहुत ही यहाँ पर मज़ा आने वाला है आपको, बस आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, 2 की पावर में दिया है तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू, यानी 2 - x पावर इक्वल टू, राइट साइड में नंबर को लॉग के आगे लिखेंगे और ये कहाँ चला गया भाई बेस, ये कहाँ चला गया, ये चला जाएगा इधर बेस में, ठीक है। इसीलिए देखो इसे बेस क्यों बोला जाता है, यहाँ पर बेस बोलते हैं इसीलिए उसे वहाँ बेस बोलते हैं, नहीं तो सोचने वाली बात है यार, आधार सर ये 2 की पावर 5 तो हाँ इसको हमने कहा बेस 2 है पावर 5 है, तो लेकिन यहाँ पर बेस क्यों बोला जा रहा है, वो इसी कारण बोला जा रहा है, देखो ये बेस है तो इसीलिए वो नीचे आ रहा है इसीलिए उसे बेस बोला जाता है, लॉग 3 टू द बेस 5। तो अब ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 - इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करोगे तो log 3 टू द बेस 5 इक्वल टू x, तो यहां से हमारा आंसर सी पार्ट। तो पहले हमने log में कन्वर्ट करना सीखा, कहीं log नहीं था लेकिन हमारा आंसर log में आ रहा था, क्योंकि वो जो था पावर है, log मतलब पावर होती है बेटा, आप देख सकते हो खुद ही देख लीजिए पावर है वो, 5 की कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो उसे नेचुरल नंबर जो उसे 3 बना दे, इसका मतलब वो पावर जो होगी वो लॉग में ही आंसर होगा, इसीलिए आता है लॉग का कॉन्सेप्ट। तो यानी पावर का मतलब समझ लीजिए, लॉग मतलब ये पावर है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो x की जो वैल्यू हमारी आई है 2 - log 3 to the base 5, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमने अब हम लॉग से फ्री करना भी सीखेंगे, क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, लॉग से फ्री करना भी सीखना है, स्टाइल दोनों तरीके से देखो इधर बोलो नहीं जरा, आगे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग से फ्री करने का स्टाइल तो मालूम है, देखो इधर बेटा आवाज न करो यार, लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू अगर बी है तो यहां पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर बी, ध्यान रखना बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी, लॉग से फ्री करने एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी, ये हो गया। चलिए जैसे क्वेश्चन लिखा है, यदि यदि आपको दिया हुआ है लॉग एक्स माइनस टू बेस में 3 इज इक्वल टू 2 तो आपसे पूछा जा रहा है देन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देख लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन भी पहले क्लियर करेंगे लॉग पर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, केवल कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं, केवल लॉग का कंसेप्ट मालूम है इन सवाल को जो अभी लिखा रहे, केवल उतना कर सकते हो आप। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। पहला है 1, दूसरा है आपका 10, तीसरा है 11 और चौथा है नन ऑफ दिस। चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट होने वाला है, मज़ेदार है। देखिए क्या होगा बेटा, x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 का स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 माइनस 2 द ट्रांसफर हुआ प्लस का 2, 9 में 2 ऐड होगा 11। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आ गई है वो 11 है, बहुत ही आसान है। चल तो इतनी बात बेटा आप बच्चों को ध्यान में रखनी है कि लॉग के आगे कभी भी नंबर, अगर ये आपका ये और ये सेम है तो आपको मालूम है 3 की कितनी पावर होनी चाहिए कि 1 आ जाए, तो 1, ठीक है। और अगर लॉग 1 की बात करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, लॉग 1 बेस कुछ भी हो जाए वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए इतनी बात हमें क्लियर हो गई, आगे देखेंगे और आगे देखते हैं, और अभी बहुत मज़ेदार तरीके से बताना है। चलो देखिए, इतना बेसिक हमने कभी नहीं बताया होगा, तो इतना आज हम बेसिक बता रहे, एक ही टाइप के कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे, उससे कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ लॉग 7 लॉग 5 टू द बेस 5, लॉग 5 टू द बेस 5 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बेस 2 इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 34 माइनस एक्स बेस 33। ये आपको बताना है इसका आंसर, जरा देखेंगे कैसे होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1 और 2, और डी है नन ऑफ दिस। रुक जाओ, पता ही क्या होगा, देखो इधर क्या किया, देखो इधर, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना टफ सवाल लग रहा है। अरे सर लॉग में दो दो लॉग आ गए, अरे घबरा क्यों रहे हो, परेशान हो। लॉग 5 टू द बेस 5 क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, और लॉग 1 बेटा कितना हो जाएगा, यानी ये समाप्त हो गया। अब इस पे मत ध्यान दीजिए, अरे कोई बेसिक सवाल बन गया। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, जिसे हम 32 कहेंगे। एक्स इज इक्वल टू 32 में 1 गया 31, और आप कहोगे लॉग 33, और ये कितना होगा 32 माइनस 31, जिस कारण ये होगा लॉग 32 में 31 गया 1 बेस 33 और ये वैल्यू 0, जिस कारण ऑप्शन हमारा ए पार्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो गया आंसर, ए पार्ट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जबकि लग रहा है नहीं सर इसमें तो दो लॉग है, अरे घबराना नहीं, डर अपना खत्म करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रब करें बेटा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लॉग अंडर रूट टू डॉट 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 इन्फिनिटी प्लस बेस में 2 है हमारा, और लॉग x प्लस 1 बेस में 10 इक्वल टू 2 आपसे पूछा जा रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो प्रैक्टिस करने के लिए ही हम जाने जाते हैं बेटा, और इसलिए हम आपको क्वेश्चन की ही खूब प्रैक्टिस करा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है 9 और 10, यहाँ पर 99 और नन ऑफ दिस। आइए देखेंगे कैसे होगा। देखिए बेटा आप बच्चों को जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से इसको समझना है। अब बहुत बच्चे देख के कहेंगे सर मुझे बहुत डर लग रहा है,
मैंने कहा क्यों डर लग रहा है सर, अंडर रूट खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो डरा अपने आप को, आप खुद रहे हो, आप ये ना सोचो मुझे डर लग रहा है, आप खुद डरा रहे हो। सर दो अंडर रूट में दिक्कत होती है, यहाँ तो बहुत सारे अंडर रूट खत्म ही नहीं हो रहे, इसका मतलब आप खुद को खुद डरा रहे हो। एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मुझको कि मैं किस कारण डर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों डर रहे हो, तो आपने वो मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, दो अंडर रूट में दिक्कत होती है, चार में दिक्कत, यहाँ तो खत्म ही नहीं हो रहे, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं सर जी, तो मैं कहाँ तक इसको संभालूं। लेकिन बेटा ये क्यों दिक्कत कर रहा है, नॉलेज ना होना। आइए इसको नॉलेज करते हैं। अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, ये चाहे जितनी बार होगा इसे एक बार ए लिख देना, बस खेल खत्म। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बताया है और याद रखना है सीक्वेंस एंड सीरीज के कारण होता है। यहां पर कैसे देखो, इधर आपको बता दें जीपी तो जानते हो ना, इनफाइनाइट जीपी, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जबकि ये नॉलेज हमें बहुत गजब का, देखो सवाल कितना खूबसूरत आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने, आपके सामने कितना बेहतरीन सवाल प्रस्तुत किया है। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत टफ सवाल है, ये अगर ना होता तो सवाल हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होगा, ए की पावर 1/2 इनटू, इसका मतलब होता है 1/2। अब बेटा ये जो अंडर रूट, इस पर मत ध्यान दो, उसके नीचे वालों को मत देखो। देखो किसी पर अंडर रूट दो बार लगा है, इसका मतलब उस पर 1/2 पहले पावर, फिर 1/2 पावर है, तो ये 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा ए की पावर 1/4, फिर 1/2 1/2 1/2 1/8 और डॉट 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 इन्फिनिटी। तो जानते हो बेटा ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब पावर ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, इनफाइनाइट जीपी लग जाएगा बेटा, नीचे दिख रहा है, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी फॉर्म में लग जाएगा। क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, ए अपॉन 1-r। किसी जीपी के, किसी भी जीपी के ढेर सारे टर्म को जोड़ना है तो आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हो, क्या होगा ए अपॉन 1-r, ए हमारा कितना होगा 1/2, 1-r कितना होगा 1/2, आर मतलब जिसको मल्टीप्लाई, तो 1/2 एक में आधा कट, आधा से आधा कट गया, कितना हो गया 1। तो देखिए फाइनल हुआ कि नहीं हुआ ये, इसलिए आप किसी को अंडर रूट के अंदर लिख लो, उसी नंबर को बार बार लिखते जाओ, अंडर रूट लगाते जाओ और ऐसे लिखते जाना। देखो अंडर रूट ए, मतलब ये अंडर रूट प्लस नहीं होना चाहिए बीच में, ध्यान रखना। जैसे लिखा है 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, कितना हो गया बताओ इनफाइनाइट तक, बोलो 3 हो गया। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 कितना होगा बताओ, 5 हो गया। हाँ अगर तीन बार तक है तो इससे, इस कॉन्सेप्ट से फायदा ही हो रहा है, इसकी डिटेल से अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे लिख सकते हैं जितनी बार है, अगर एक और अंडर रूट है तो प्लस 1/16, ये भी हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट से फायदा भी मिल गया, तो ये याद रखना है। लेकिन अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और इनफाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, 5 हो गई। तो अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको 2 लिख सकते हैं, लिख दिया 2, और ये 2 लिख दिया तो ये कितना हो गया, दिमाग लगाओ, ये 1 हो गया, 1 उधर ट्रांसफर होगा, लॉग एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 और बेस में 10 और एक 1 उधर जाएगा, कितना होगा 1, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10 की पावर 1 यानी 10, तो एक्स इक्वल टू 1 उधर ट्रांसफर, 10 में 1 गया 9, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कितना इजी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक ऐसा ही सवाल एनडीए में पूछा गया था, केवल वो इतना ही था, वो हम लिख दे रहे हैं, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है लॉग बेस 10 और अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 डॉट 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 इन्फिनिटी, और केवल इसका आंसर बताइए क्या होगा, बोलिए कितना होगा, 1 0 और 2 और 10, बताइए कितना होगा आंसर। 1 कैसे कह दिया आपने बताओ, आपको आपको ये बार बार डिटेल में ना सॉल्व करना, बहुत किताबों में बार बार ये डिटेल में दिया होता, सॉल्यूशन पता चला, देख रहे हो इसको डिटेल में सॉल्व कर रहा है, इसकी 1/2 पावर 1/4 और जीपी का लगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, इससे फायदा होता है बेटा। क्या करेंगे आप लिखोगे लॉग, ये पूरा 10 लिख दिया बेस 10, और जब दोनों इक्वल होते तो वैल्यू 1,
यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, ए पार्ट। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, रब कर दे बेटा। चलिए तो ये लॉग का अभी हमने बेस आपको समझाया कि कैसे हम लॉग को फ्री कर सकते हैं, और आंसर आपके पावर जरूर फंस रही होगी, उस पावर, पावर मतलब लॉग होता है बेटा, ठीक है, पावर का मतलब ही लॉग है, यानी लॉग का कॉन्सेप्ट पावर हो है, समझो लॉग लिख रहे हो, समझ रहे हो पावर है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आप खुद ही देख लीजिए, टू की पावर सॉरी ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, और एक्स इज इक्वल टू लॉग बी, सॉरी एक्स इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ए, और एक्स क्या है हमारा पावर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पावर ही लॉग है, ठीक है। यहां से ये बात क्लियर हो रही है, देखिए एक्स क्या है, पावर है, तो ये पावर मतलब लॉग, ठीक है। चलिए पावर पता कर रहे हैं तो वो लॉग के टर्म में ही हम लिखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पावर यानी लॉग। तो चलिए ये भी बात क्लियर हो गई, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ अगर हम कोई चीज़ आपको ऐसे दे दें तो आप पावर को लॉग के टर्म में निकाल सकते हो, यानी उसको लॉग कहेंगे, तो कितना होगा लॉग बी टू द बेस ए, और अगर ए की सॉरी अगर लॉग करके दिया हो लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर बी। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम आगे बात करेंगे और उसमें और भी आपको चीज़ें सिखाएंगे। अब हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लो, पूरा लॉग का सार कह सकते हो, पूरा रस कह सकते हो उसको, यानी पूरा निचोड़ यहाँ पर लिख रहे हैं, इन्हीं से पूरा लॉग सॉल्व होता है। जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं या जो भी नोट लिख रहे हैं, इनको प्रॉपर्टीज़ कह लो, चाहे आप इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले कह लो, कुछ भी कह लो, इन्हीं से लॉग का सॉल्व होना है सारा क्वेश्चन। चलिए पहला, लॉग एम प्लस लॉग एन, चलिए ठीक है, इसको पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। इससे पहले एक चीज आपको और बता दें, थोड़ा सा जानकारी देने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिख दीजिए, फिर दोबारा डाल देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉग एक्स टू द बेस ए, ये ठीक है। ये अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए ये लॉग क्या हमेशा x और a कुछ भी हो जाए तो हो जाएगा, नहीं, इसके लिए ध्यान रखना लॉग मीनिंगफुल तभी होगा, सबसे पहले लॉग के आगे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक जिसको कहते हैं ग्रेटर देन जीरो, और बेस मतलब आधार, आधार मतलब क्या हुआ स्मॉल ए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, और वन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा सवाल नहीं बन सकता है जिसमें लॉग का बेस वन हो जाए, मीनिंगलेस हो जाएगा, वो आगे बताएंगे ऐसा क्यों। थ्री है वन, कोई भी वन की ऐसी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसकी वैल्यू तीन बना दे, क्योंकि वन की पावर हमेशा कुछ भी कर दो उसका मान वन ही होना है, इसलिए मीनिंगलेस हो जाएगा। और आगे हम ये भी बताएंगे लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी, अगर बेस वन हो गया तो लॉग वन जीरो होता है, जिस कारण वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो आपको ठीक है, तो ये याद रखना है लॉग के बारे में, लॉग कब डिफाइंड होता है, सबसे पहले लॉग के आगे वाली नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के आगे वाला नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस जैसे ये पॉजिटिव दोनों धनात्मक हो, लेकिन ये वन हो सकता है, तभी तो लॉग वन जीरो कहा आपने, लेकिन बेस नहीं वन हो सकता, बस इतनी बड़ी गजब की बात है। मान लीजिए कभी हमें ऐसा क्वेश्चन दे दें और लिख दें डिफाइंड If, और पहला ऑप्शन दे दें a इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये सही है, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन लिखा हो तो ये सही होगा, या ये लिखा हो यानी आपका बेस पॉजिटिव होना चाहिए और a आपका ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अभी हम एक क्वेश्चन इस पर बताते हैं आपको, आप पहले इतना नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, वाली सीट देना बेटा, वही वाली सीट दो, ले गए थे हम दोनों, जैसे देखो ये इसमें लिखा है y इक्वल टू लॉग एक्स
एक क्वेश्चन है लिख सकते हैं, प्रॉब्लम है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए के परिभाषित होने के लिए ए क्या होना चाहिए। ये देखिए लिखा है के परिभाषित होने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, स्मॉल ए के बारे में पूछ रहा है। यहां पे ए लिखा है तो इसका मतलब ए के बारे में पूछा जा रहा है, देन ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब स्मॉल ए के बारे में पूछ रहा है। एक्स के बारे में अगर ये बात एक्स लिखी होती तो ये क्या होता, ठीक होता ऑप्शन, सही था कि नहीं था। अरे रियल नंबर मतलब अंडर रूट टू कुछ भी हो जाए, लेकिन ए के बारे में पूछा उन्होंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स के बारे में पूछ सकते हैं, देन ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, दूसरा दिया है एनी नंबर, गलत ये भी गलत कह रहा है, एनी नंबर तो भाई नेगेटिव भी होता है, एनी नंबर, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू वन, मतलब हर पॉजिटिव नंबर हो लेकिन वन ना हो, और डी वाले में कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू ई होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर मैंने आपसे ए के बारे में पूछा है तो ए एनी पॉजिटिव रियल नंबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें वन भी आ गया ना, इसमें आपने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन और लिख लेना, पहला क्वेश्चन इसको तो जवाब दें, एनी नंबर, एनी नंबर में तो नेगेटिव भी आ जाता है, और ये एनी पॉजिटिव रियल नंबर ठीक है एक्सेप्ट वन, वन ना हो बाकी कोई पॉजिटिव नंबर, तो ये हमारा ठीक ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे देन एक्स इज, एक्स के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो वन भी हो सकता है, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आइए अब हम आपको उस बात पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखाने जा रहे हैं पूरा, जिससे लॉग आपका सॉल्व होगा, जेई मेन जे एडवांस चाहे एमसीए कोई भी पेपर हो, लॉग जो मैंने बता दिया इससे बाहर नहीं आएगा। बस ये है कि प्रैक्टिस चाहिए, जी मेन एडवांस के लिए उस लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन सारा जो इधर लिखेंगे पॉइंट्स उसी से होगा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लग सकता उसमें। आइए पहला पॉइंट, हर छोटा छोटा पॉइंट हम बताएंगे। पहला पॉइंट लॉग एम प्लस का लॉग एन, दो लॉग हैं बस ये ध्यान रखना, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग लिखा है तो भैया पॉजिटिव तभी तो लॉग लिख रहे हो, डिफाइंड होगा तभी वो चीज लिख रहे हो, लॉग एम ये बेस सेम होना जरूरी है दोनों लॉग का, दोनों लॉग के आगे कोई नंबर है वो पॉजिटिव ही होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये ध्यान रखना है कि दोनों नंबर का जो लॉग, इसका लॉग और इसका लॉग, लेकिन बेस सेम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और वो बेस सेम रहेगा, उसी को लिख देंगे दोबारा से। एक्स को एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन का मतलब इस कॉन्सेप्ट को बढ़ा भी सकते हैं, अगर हमारे कई सारे लॉग हैं, कई सारे लॉग हैं, एक लॉग नहीं कई सारे लॉग हैं, कई सारे लॉग ऐड हो रहे हैं बेटा, कई सारे हमारे लॉग ऐड हो रहे हैं, अगर हम एक लॉग लिख दें और जितने भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई करके लिख दें तो लिख सकते हैं डॉट 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 एम एन, बेस लेकिन ध्यान रहे सबका एक है, सेम होना चाहिए। अच्छा जो बात थी वो दो लॉग के नहीं, अब ये बात क्या हो गई, चाहे जितने भी लॉग ऐड हो बस लॉग होने चाहिए, बेस सबका सेम होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हर सवाल में एग्जाम्पल भी देते चले जा रहे हैं ताकि वो आपको फील भी होता चला जाए, जैसे लॉग टू प्लस लॉग थ्री, अगर बेस नहीं लिखा है तो समझ लो सेम है, ये समझ लीजिए आप बेस नहीं लिखा है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बेस लिख दिया थ्री, दोनों का बेस लिख दिया फाइव, ठीक है, तो क्या करोगे लॉग, अब डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना होगा बोलो, सिक्स हो जाएगा। इसी तरह से नंबर सेकेंड लॉग फाइव प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग, और
यहां पर 4, बेस में सबके 2 है तो क्या होगा बताओ। इस चैप्टर में बताएं बेस दिया रहता है, समझ रहे हो ना, बेस अलग अलग करके हम करते हैं सवाल। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरे लॉग का बेस नहीं लिखा, ई समझना है, यहां पर बेस देंगे तभी तो सवाल बनेंगे अच्छे अच्छे, बेस अलग बदलते रहेंगे। तो यहां पर कितना होगा, क्या करेंगे, 5 × 3 = 15 × 60 डायरेक्ट कर दो और बेस 2। पता चला तुम्हारा आंसर ही आ रहा ऑप्शन में ये दिया, तो इस वाले कंसेप्ट से आप बदल सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो यहां से पहला हमारा पॉइंट क्लियर है। आइए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है m बाई एन, यहां पर लिखेंगे m बाई एन, इसको ये ध्यान रखना बेस a है तो a माइनस log n टू द बेस a। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी आ सकते हो, बात को समझ रहे हो ना, यानी अगर आप इधर से इधर जाते हो तो इधर से भाई कई जगह ऐसा होता है log 7 माइनस log 2 है, हम इसको एक log में बना देते हैं log, तो 7/2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, जैसे लिखा है log 9/5 बेस 2, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, log 9 माइनस का log 5 और बेस में 2 हो जाएगा। सेकंड है जैसे लिखा है log 4 माइनस log 7 बेस में 3 है तो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दिखाई दे रहा बेटा, क्या लिख सकते हो बोलो, log 4/7 बेस में 3 ऐसे लिख सकते हो। बहुत ही कमाल का हमारे कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों के दोनों आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, मतलब हर पॉइंट आपको क्लियर करना है, कहीं पर भी लॉग का कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, इसलिए आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, ठीक है बेटा। चलो अच्छा एक चीज और ध्यान देनी है, दो पॉइंट हो गए ना, इसको भी अब वो दो लिख दिए तो इसको भी बॉक्स में डाल दीजिए, मान लो जरूरत पड़ जाए। जैसे लिखा है log a1 की पावर m1 a2 की पावर m2, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, a3 की पावर m3 .. an की पावर mn, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या होगा, पावर log a1 प्लस यहां पर क्या होगा पावर और इसका log प्लस कितना होगा बेटा, पावर और log a3 .. और ये कितना होगा mn log an, कोई दिक्कत नहीं, पावर जो लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कितने पॉइंट हुए, दो हुए, तीसरा log a टू दी पावर m बेस में मान लीजिए कोई लिखा है b, तो ये m इंटू log a टू द बेस b, ये पावर आगे आ जाता है, कोई भी log के आगे नंबर लिखा हो और उस पर पावर हो तो पावर को हमेशा आदत बना लीजिए आगे लिख दोगे, ठीक है आगे लिख दोगे। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये हुआ है सॉल्व, देखो कैसे भाई हमारे कई सारे टर्म मल्टीप्लाई में हैं, ये इंटू ये, तो हम लिखेंगे इसका log पावर प्लस इसका log और की पावर m2, तो ये पावर आगे आएगा, ये पावर आगे आएगा, तब जाके वो तैयार हो जाएगा। तो याद रखना है कि कभी भी हमारा log लिखा है और log के आगे जो नंबर लिखा है उसकी अगर कोई पावर है तो पावर को बेटा आगे लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया log 7³ to the base 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 log 7 to the base 2, एग्जाम्पल के लिए है बेटा। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया log और आपके सामने 16 to the base 2,
तो इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 4 बेस 2, और यहाँ पर 4 log 2 बेस 2, और ये क्या होता है बेटा 1 हो जाएगा, जिस कारण 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। एक एक पॉइंट नोट करते रहना। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट अभी तक आपने सुना होगा log a टू द बेस b। अभी आपने सुना होगा कि अगर log के आगे नंबर पर पावर है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं अगर बेस में पावर होती है log की, सब बड़ी कमाल की प्रॉपर्टीज हैं, सभी एक दूसरे से लिंक हुई हैं, लेकिन हमें इनको अलग अलग तरीके से बार बार इसको सोचना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है तो ऐसे कर देना। तो क्या होगा, बेस पर कोई पावर दिख रही है, जैसे log के आगे नंबर पर पावर नजर आती है तो पावर आगे आती है, वैसे ही अगर बेस पे अगर कोई पावर दिख रही है तो वो भी आगे आएगी, लेकिन बेस क्योंकि नीचे है तो पावर भी नीचे रहेगी। m और log a टू द बेस b, ठीक है, उसी तरह से एग्जांपल देने जरूरत नहीं, समझ में आ गया। आइए फिफ्थ में, log a टू द बेस b बहुत मज़ेदार है। log a टू द बेस b क्या होगा बेटा, log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं log a डिवाइड में log b, ये आपको ध्यान रखना है। log a बेस में b, इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। लिखो बेटा, नोट करो, ऊपर वाले का log डिवाइड में नीचे वाले का log, ये सब कमाल के रिजल्ट हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैंने लिख दिया log 7 टू द बेस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, log 7 अपॉन log 2। इसी तरह से log 4 टू द बेस 3 क्या लिख सकते हैं, log 4 अपॉन log 3, बहुत मज़ेदार है, देख सकते हैं। चलिए और आगे देखेंगे, देखते जाइएगा, पॉइंट्स जब हम बताते चले जाएंगे तो फिर समझ लो log खत्म, सारे पॉइंट बताने दीजिए, log कंप्लीट, फिर केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे, मजा आ जाएगा। देखेंगे आगे, सिक्स है हमारा, सिक्स पॉइंट है log a टू द बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा log a टू द बेस b को, इनको अगर इंटरचेंज करोगे, ध्यान देना, अगर इनको इंटरचेंज करोगे तो ये वन अपॉन करके लिख दिया जाता है, log इनको इंटरचेंज कर दिया b टू द बेस a, ये होता है बेटा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैंने लिखा log 7 टू द बेस 2, तो इधर कितना लिखेंगे, वन अपॉन, इनको इंटरचेंज किया, log 2 द बेस 7, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर थर्ड, log 3 टू द बेस 5, इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन log 5 टू द बेस 3, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। नंबर सेवेंथ नोट कर सकते हैं, नंबर सेवेंथ क्या है जरा देखेंगे, नंबर सेवेंथ में log a टू द बेस b को हमने इस तरीके से लिख दिया, वन अपॉन log b टू द बेस a, नंबर सेवेंथ में होगा log a पर भी पावर है और b के पास भी पावर है, बेस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, तो ये ऊपर वाली पावर ऊपर से ऊपर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और नीचे वाली पावर भी नीचे से बाहर आ जाएगी, n और log a टू द बेस b, 8 हो गया ना, 7th हो गया, सॉरी 8th है, इसी से बना है ये वाला, a की पावर m और a, यानी ये जो बेस में a लिखा है और जो आगे log गया है वो a की पावर, इसी की कोई पावर के टर्म में बन रहा है, तो इसका आंसर पावर ही होता है, इसका आंसर जो पावर लिखा है वही होगा, और वो आपको फील हो रहा होगा कैसे m को आगे लाएंगे, तो क्या होगा, m को आगे लाने से क्या होगा बेटा, ये आपका वन हो जाएगा और वो वैल्यू हमारी m हो जाएगी, बहुत मज़ेदार है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, यानी आप इतना ध्यान रखिएगा, इसको जो हम लिख रहे हैं, ध्यान रखना, इसको जो लिख रहे हैं हम, a है,
और यहां पर नंबर जो आगे लॉग है अगर वो इसी की पावर के टर्म में बन रहा है तो आप उसको लिखो नहीं, उसकी जो पावर बन रही है वही आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसको देखो, तुरंत देखो इसको, तुरंत आप बताइए आंसर क्या होगा। लॉग 16 टू द बेस 2, जल्दी बताइए, फास्ट बताइए आंसर क्या होगा। पहले अपने आप से पूछो, क्या जो उसके आगे 16 लिखा है क्या इसकी पावर के टर्म में लिख रहे हो? तो क्या बोल रहे हो उसको, क्या बोल लो, तो जो क्या पावर बन रही है उसकी वही पावर लिख दो, वही आंसर मत लिखो से डिटेल में, 4 आंसर हो गया। कितनी जल्दी हो रहा है भैया, आप ये लिखोगे 16 और फिर 2 और फिर ये लिखोगे 2 की पावर 4 और बेस में 2 है, पावर आगे आ गया और ये 2 और 2 और ये कितना होगा 1, तो फाइनली 4 ही डायरेक्ट लिख दो, इतना सब करने की क्या जरूरत है। बस ये तुम्हें चेक करना है, 2 की पावर में मत लिखने की कोशिश करो, 2 की पावर समझ लो, फील कर लो कि बन रहा है, कितना बन रहा है 4, तो वो 4 ही आंसर हो गया। एग्जाम्पल के लिए एक और, लॉग 27 बेस में 3, तो क्या होगा 3 ही आंसर, क्योंकि मैं इसे 3 की पावर में लिख रहा हूं, कितना पावर 3, तो वो 3 ही हमारा आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं, लॉग 100 बेस 10, बोलो 2 आंसर होगा, फील कर लिया क्योंकि हम उसे 10 स्क्वायर, तो जो 10 की कितनी पावर में लिख रहे 2, तो 2 ही आपका आंसर हो। इसी तरह से 9th, अगर हमारा लॉग के आगे सेम यही फंडा है, अब ये सारे अलग अलग रहे कोई दिक्कत नहीं, 1/m, अगर आप ये लिखा है और इसको इसकी पावर में लिख दे रहे हो तो वो जो पावर है वो आंसर, लेकिन वो डिवाइड में रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लॉग 2 बेस 16, बोलो क्या होगा, ये 2 की पावर में लिख रहे हो, कितना 4, तो वो 4 नीचे रहेगा, 1 बाई करके लिख दो और जो पावर है उसको नीचे लिख देना। इसी तरह से लॉग 3 बेस 9 कितना होगा, 3, 1/2, ये आंसर, पावर को डिवाइड में लिख दीजिए। तो ये हमारे 9th पॉइंट हो गए, जितने भी पॉइंट बन रहे होंगे, मैंने कहा था सारे क्वेश्चन आई 10th है, ए की पावर लॉग बी, इसको लिख सकते हो बी लॉग ए, बेस सेम रखना जो भी हो, ये ध्यान रखेंगे बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। बेस अब नहीं लिखा है तो सेम समझ लीजिएगा दोनों में। अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि ये कैसे हो गया, जरा देखिएगा, ये भी एक बड़ी गजब की बात है, ये हुआ कैसे, जरा समझिएगा। ये आप एक काम करो, लॉग ए इंटू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू लॉग बी होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ होगा कि नहीं होगा, बताइए, ये आपस में बराबर होंगे। हम इसको अगर ऐसे लिख दें लॉग बी इंटू लॉग ए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दें लॉग ए इंटू लॉग बी, और ये समझ लें एम है, जैसे एम लॉग ए की तरह समझ लें, तो भाई जब आप पावर आगे ला सकते हो तो पावर ऊपर भी तो जा सकती है, ठीक है बेटा, तो इस पावर को हम ऊपर ले गए तो लॉग कितना होगा बेटा, लॉग ए की पावर लॉग बी, और यहाँ पर ये नंबर भी पावर में चली जाएगी, लॉग बी की पावर लॉग ए, और अब दोनों से लॉग हट जाएगा, तो ए की पावर लॉग बी इज इक्वल टू बी की पावर लॉग ए, ये हमारा देखिए आंसर बन गया। ए की पावर लॉग बी इज इक्वल टू बी की पावर लॉग ए, दोनों क्या हैं, सेम होते हैं, इससे फायदा इंटीग्रेशन में हो सकता है। जैसे अगर मैंने कहा 5 की पावर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, तो अब मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बेस ई है, तो अब क्या करोगे आप इसे, अगर ये प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे एक्स लॉग 5, तो अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ए की पावर एक्स समझ के नहीं कर सकते हो, ये मत सोचना कि ए की पावर एक्स समझ ले, अब देखो एक्स की पावर एन का गल लगा दो फॉर्मूला, एक्स टू दी पावर एन का होगा एक्स की पावर एन प्लस वन, पावर एक बढ़ा दिया, डिवाइड में एन प्लस वन, चलिए ठीक है, ये हो गया, चलिए 10th हो गया, कितने पॉइंट्स हो गए 10th।
ये वाला भी लिख लिया, ये वाला लिखा कि नहीं लिखा, देख ये हो गया, ये वाला नहीं हुआ, दोनों को सेम बेस सेम, भले पावर अलग अलग हो तो इन पावर का रेशियो ही आंसर हो जाता है, पावर का रेशियो ही आंसर हो जाता है। जानते हो कितने इजी है, देखो इससे हम बहुत ही कमाल का ये मेथड है यार हमारे लिए, बहुत मजेदार, इससे तो सवाल बन ही जाता हर बार। देखो ये है, अब आप इसे डिटेल में सॉल्व करोगे, हम जानते हो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4/5 देखने वाले को बाउंस होगा कैसे हो गया, क्योंकि मैं दोनों को 2 की पावर में लिख सकता हूं, दोनों को सेम बेस मतलब इसको भी उस नंबर को, तो दोनों को 2 की पावर में लिखा जा सकता है। अरे तो पावर कितनी बन रही है दोनों तरफ, वो पावर का रेशियो ही आंसर कर दो, इधर कितनी बनेगी 4, पहले चेक करो दोनों 2 की पावर में बन जाएंगे तो लिखो कितना होगा 4/5, जल्दी बताइए log 2781, जल्दी बताइए 3/4, देखो तुरंत हो रहा है। इसी तरह से यहां पर लिख दिया थर्ड log 125/25, बोलो जल्दी से 3/2, अब समझ में आ गया होगा, दोनों को 5 की पावर में लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो क्या करना, पावर का रेशियो आंसर कर दो, वो आप समझ रहे होंगे इसी वाले फंडे से हुआ है, log a टू द बेस b पावर n, और ये क्या होगा m आगे आ गया और n भी आगे आ गया, लेकिन n नीचे रहेगा, a टू द बेस b, उसी से हुआ है, इसी वाले फंडे से, कैसे a की पावर m a की पावर n, पावर पावर आगे आ जाती है, नीचे वाली नीचे रहेगी, ऊपर वाली ऊपर आएगी, और a टू द बेस a, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो बना उसी से है, मैंने कहा सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से तैयार हुई हैं, लेकिन आप अलग अलग याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इजी हो गया। अब देखो इसी से हम एक छोटा सा सवाल और देख सकते हैं, ये चौथा एग्जांपल दे रहे, देखो किसी को लगेगा नहीं, देखो log 8/16 प्लस log 9/27, अब बताइए ऐसा लग रहा है यार ये तो सर log n प्लस, ये सर ये तो गलत हो गया सर, log n प्लस log n कैसे लगा दो, तो मैंने इसलिए थोड़ा ना दिया, मैंने तो दिया सवाल ऐसे ही है कि तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहे, log m प्लस log n log m इंटू n, तुम कहोगे यार ये गड़बड़ सवाल हो गया, लग रहा मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग, ये दिमाग लगाओ क्योंकि ये 1627 बेस अलग है, लग ही नहीं पाएगा, तो हमने थोड़ा ना इसलिए दिया कि तुम ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, हम किसी तरीके से आपको जो है बस दिमाग यही होता है सवाल बनाने की, यही कला होती है किस तरीके से आपका माइंड गलत सोचने लगे, और जब गलत सोचने लगे डायरेक्शन ही गलत होगी तो गलत जगह पहुंच जाओगे, तो यहां पर क्या होगा 3/4 प्लस 2/3 लीजिए, अगर हम डायरेक्ट कहते इन दो भिन्नों को जोड़ो तो तुम ना जोड़ देते, ठीक है, तो एक एक्चुअल में ये कितना होगा 12 एलसीएम आया, 12 का मल्टीप्लाई करो ऐसे जोड़ दो, ये 12 है ऐसे जोड़ दो, 9 और 8 17, ये तो क्या जब भाई एलसीएम दो फ्रैक्शन को जोड़ना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, 9 और 8 17 डायरेक्ट हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन को आप ऐड करना है डायरेक्ट कर दिया करो, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हो बस प्लस लगा दिया करो, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे 9 और 8 17 हो गया भाई, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 10, डिटरमिनेंट निकालते हो बस बीच में प्लस लगा दो कितना होगा 5 और 2 7 डायरेक्ट हो गया, 3/11 प्लस 2/4 डायरेक्ट बताइए कितना होगा 44, और डिटरमिनेंट कैसे 12 और 22 कितना होगा 12 और 22 34, बाद में 2 से कैंसिल कर दीजिए वो अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिक्कत नहीं करना चाहिए। तो 11 पॉइंट हो गए हमारे, आइए 12th पॉइंट पर देखते हैं, पहले इतने सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, हो गए ना 11 पॉइंट्स, चलो आगे आएंगे तो देख लेंगे, अभी 11 ही पॉइंट्स हम लिख दिए हैं, आगे अगर कोई पॉइंट्स आते हैं तो हम बताएंगे आपको 11 पॉइंट्स। चलो अब इन्हीं से हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, आइए अब हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत गजब गजब की प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आ जाएगा सवालों को लगाने, आइए एप्लीकेशंस लिखते हैं, लॉग आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको सवाल करने हैं, फिर एक टेस्ट लिया जाएगा आपका नेक्स्ट कल, तो फिर वहाँ से आपको क्लियर होगा कि आपका लॉग कितना गजब का है, अभी आप ये ना सोचना भी आ गया, अभी देखो हम उलझाएंगे सवालों से, मज़ा आएगा आपको,
और आप कहेंगे कि सर उलझने दीजिए हमको, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते रहो पहले। लेकिन ये क्वेश्चन है 2 की पावर, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आप उलझोगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा, 5 और देन आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है log 11 बेस 2, दूसरा ऑप्शन है log 5 टू द बेस 1 माइनस का 1, तीसरा है log 2 बेस 5 प्लस का 1 और चौथा है none of this। जल्दी से बताइएगा क्या होगा, जरा देख लिया करो, बेस में भी ध्यान दिया करो, हैं इतनी जल्दी बाजी में न रहा करो, पता चला खुशी ना रोक पा रहे हो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप सॉल्व करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन होगा, चलिए भाई बहुत बच्चों ने क्या बताया, डी ऑप्शन, चलिए बहुत बच्चों ने डी बताया है, चलिए चलिए भाई देखेंगे डी एक्स 2 की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 2 और x इज इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 2 और प्लस का क्या होगा 1 होगा। ये देखा जाए इस तरीके से क्वेश्चन, लेकिन इसमें बेटा इस क्वेश्चन में यहां पर ये देखो ये थोड़ा देख लिया करो, ठीक है, ये नहीं कि प्लस 1 देगा टिक लगा दिया, आपको लगेगा इतना कौन देख रहा है, ठीक है, तो ये देखना जरूरी है बेटा, बेस में 2 है यहाँ बेस में 5 है, जबकि दिया है ये वाला सवाल, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया और ये वाला ठीक होता लेकिन ये गलत है, अब यही बचा, ये भी जब गलत हो गया तो अब एक ही बचा, उसी को टिक लगाना पड़ेगा, नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है बेटा आगे बात सुन। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, 3 की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है देन एक्स इक्वल टू, ज़रा ध्यान देना बेटा, ऑप्शन पहला है लॉग 6 टू द बेस 3, दूसरा ऑप्शन है लॉग 6 बेस 2 और तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस लॉग 3 बेस 2 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिएगा इसको, देखिएगा अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से बोलो, अब देखिए बेटा और बच्चे बताइए क्या आ रहा आंसर, क्या आ रहा, कोई दिख रहा है आंसर, नहीं दिख रहा ना, देखिए जो सीधा टाइप का बच्चा होता है वो आंसर ढूंढता है और जब उसे नहीं मिलता तो नन ऑफ दिस लगा देता है, ठीक है सही बात है। तो बेटा देखिए उसने इस आंसर को ढूंढा 1 प्लस, तो अब आपको मालूम है बेस में 3 नहीं है तो ये वाला गलत हो गया ऑप्शन, और आप कहोगे यार 1 प्लस तो होना चाहिए, नहीं है तो ये, जबकि ये गलत हो गया क्वेश्चन, इसीलिए तो हमने दिया है, इसीलिए तो सिखा रहे हैं, केवल 11 पॉइंट्स लिखा देते क्या लॉग खत्म हो गया, नहीं भाई, हर बल्लेबाज को मालूम है कि जब बॉल आनी है तभी शॉट लगाना है, ये तो रूल है, यही तो है खेलने का, किसी को भी क्रिकेट में बोला जाए कि भाई क्या करना है, आपको मालूम है कि जब बॉल आएगी तभी शॉट लगाना है, ठीक है ना, तो केवल इतने रूल से क्या आप अच्छा शॉट लगा देते हैं, नहीं ना, तो बस इसका मतलब प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। तो यहां पर जो आंसर आएगा हमारा वो होगा लॉग और यहाँ पर 6 बेस 3, सर ये कैसे हुआ सर, ये तो बाउंस हो रहा है सर, मैं बहुत सीधा हूँ, देखिए आप बच्चों को बता दें, देखिए इधर यहाँ पर आप बच्चों को बता दें, देखो बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अलग से नोट कर लीजिए, वन प्लस लिखाओ या लॉग ए, यहां पे लिखा है log a टू द बेस b प्लस 1, प्लस 1 है, log के साथ कभी भी प्लस 1 हो रहा हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, log के साथ कभी भी बेटा प्लस 1 हो रहा हो, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे
लॉग बेस में बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये देखिएगा, तो यहां पर लिखा लॉग इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, और ये वन हटा देना फिर। सर ये कैसे हुआ जानना चाहते हो ना? चलिए भाई देखिए बता दे रहे कैसे हुआ, आइए समझा देते हैं। यहां पर हमने log a टू द बेस b दिखाई दे रहा है, पहले देख लो जरा दिख रहा है, log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं log b टू द बेस b। मजबूरी है हमारी यही लिखना है क्योंकि हमें इसी का बेस बनाना होगा। लिखने के लिए log a टू द बेस a भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लिखना है वन कि इसका और इसका बेस सेम रहे, तो बेस सेम रहे यानी इसका b, तो यहां पे भी b लिखना चाहिए, तो log b टू द बेस b वन होता है, और ये होगा log बेस b, और प्रॉपर्टी से इन दोनों का मल्टीप्लाई याद कीजिए, log m प्लस log n को क्या लिखा जा सकता है, log m इंटू n, उसी कॉन्सेप्ट से। अब फील हुआ, देख रहे हो फील हुआ, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 3 प्लस का log 2 बेस 3, और यहां पर लिखेंगे log बेस 3 और दोनों का मल्टीप्लाई 6। देखिए आंसर बन गया। इसका मतलब आज के बाद अगर कोई क्वेश्चन का आंसर 1 प्लस log 2 बेस 5 आ रहा हो तो उसका आंसर log इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 बेस 5 भी सही करेक्ट होगा। डायरेक्ट बता दिए, बार बार थोड़ा करना डिटेल में इतना सबको लिखना, किसी का आंसर log 1 7 टू द बेस 3 है उसका आंसर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 बेस 3, ये भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अब इससे मैं आपको फंसा नहीं सकता हूं, इस सवाल से अब कोई फंस नहीं सकता है क्योंकि आपके माइंड में बैठ गया है कि 1 प्लस अगर लॉग के साथ हो रहा है वो सिंगल लॉग में भी आंसर बन सकता है। पहले नहीं थी नॉलेज इसलिए आपको 1 प्लस नहीं दिख रहा है तो आप कह रहे हो यार 1 प्लस तो आना चाहिए, नहीं आ रहा तो जिस ऑप्शन में, जब दिख ही नहीं रहा कहीं पे 1 प्लस अब लॉग में दिख रहे हैं तो आप नन ऑफ दिस लगाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लोगे, जल्दी से बताइए इसका, जबकि ये भी आंसर ठीक है लेकिन ऑप्शन में दिया हो तब तो, इसलिए ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसलिए हो गया। चलो भाई एक क्वेश्चन लगो फटाफट, 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और देन आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है इफ, ये दिया हुआ है देन x की वैल्यू बतानी है, पहला ऑप्शन log 10 टू द बेस 5, दूसरा ऑप्शन log 10 टू द बेस 2, तीसरा ऑप्शन log 10 टू द बेस 3, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, या एक और ऑप्शन दे देते, चलो ठीक है नन ऑफ दिस, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू log 2 बेस 5, तो x इक्वल टू log 2 बेस 5 प्लस का 1, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, तो जिसको हम एक log में लिख सकते हैं 5 × 10 बेस 5, कौन सा ऑप्शन हो गया, बोलो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए पार्ट, देखो कितनी इजीली हो गया। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे अब, ठीक है आगे देखेंगे, रब करें, चलो आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे बेटा मजा आ जाएगा। अभी देखो छोटे छोटे मजेदार भी हल्के हल्के सवाल भी देंगे, मजा आ जाएगा। आप लिखेंगे इफ log 2 बेस 3 इक्वल टू स्मॉल m, देन log 16 बेस 27 इक्वल टू, आपको आंसर m के टर्म में दिया जा रहा है 4/3m, दूसरा ऑप्शन है 4/3m, और तीसरा ऑप्शन है 4m, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। देखिए कितना इजी है, अब देखो छोटे छोटे हल्के हल्के प्यारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी log टू द बेस 3 इक्वल टू m ये आपको दिया हुआ है, और log 16 बेस 27 जिसे हम 2 की पावर 4 और इसे सॉरी, देखिए बेटा यहां पर थोड़ा सा देखना होगा, ये देखो 2 की पावर में बन रहा है और ये 3 की पावर में, देखो जिस स्टेप में दिया उसी के टर्म में बनाना है, m का मतलब ये चीज बननी चाहिए और आपके ऑप्शन m में आ रहे हैं तो आपको यही बनाना पड़ेगा log टू द बेस 3, तो इधर 2 की पावर 4 है, 4 को आगे लिख दिया, और ये 3 की पावर 3 है, इसे 3 को आगे लिख दिया, तो क्या बचा log 2 बेस 3, सही है कि नहीं है, अरे वो 2 की पावर बना होगा, 3 की पावर 3 बना होगा, और याद कीजिए ये तो प्रॉपर्टी बताई है अभी आपको, log a टू द पावर m बेस b की पावर n, तो क्या होगा m बाई n log a टू द बेस b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4, यहां पर लिखा जा सकता है 4 बेस में 3 और log
और ये कितना होगा 2 base 3 और यहाँ पर कितना होगा 4/3 और log 2 base 3 होगा m, ये हमारा आंसर 4/3 m, 4/3 m यानी ऑप्शन बी पार्ट देख सकते हो। इसी को और छोटा बढ़िया और गजब का क्वेश्चन बना सकते हैं, इफ log 2 base 3 इक्वल टू m, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, log और यहाँ पे 27 अपॉन जो है 16, अब इसका आंसर क्या होगा 4/3 m और सी ऑप्शन होगा 4 m और नन ऑफ दिस, तो अब हो जाएगा ना, हो जाएगा बेटा, क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे 3/2 और log 3 base 2, इसकी वैल्यू कितनी है ये समझ लीजिए, tan थीटा है समझो, एक tan थीटा अगर 3/12 है तो cot थीटा क्या होगा 12/, मान लो ये 13/12 है तो cot थीटा 12/13, तो बस यही समझ लीजिए, ये आपका जो जो इसकी वैल्यू होगी m, तो इसकी वैल्यू उसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते 3/4, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 और log कितना होगा बेटा 2/3, बात सही, और वहां पे रख दो m, देखो ये इंटरचेंज करेंगे, बेस को इंटरचेंज करते हैं, log a टू द बेस b, इनको इंटरचेंज करोगे तो ये 1/ करके हो जाता है log b टू द बेस a, ऐसे करके लिखा जा सकता है, तो तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो यार, उसकी वैल्यू देखो कितनी है, ये दिया हुआ है, ये समझो tan थीटा वो क्या है cot थीटा है, तो tan थीटा अगर m है तो ये कितना होगा 1/m नहीं होगा, तो यानी 3/4m, 3/4m यानी कौन सा ऑप्शन होगा d हो गया, नन ऑफ दिस 4/3, जरा ध्यान दिया करो यार, नंबर का भी ऊपर आना जरूरी है, 3 है तो 3, 4 तो नीचे तो 4, यानी 4/3 वो अलग आंसर हो गया, तो देख सकते हैं कितना कमाल का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और आपको ये फील भी हो रहा है बहुत मज़ेदार तरीके से। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर दीजिए, log 32 बेस में 9 प्लस सॉरी बेस में 9 8 और ये log 16 बेस में आपका 32, जल्दी से बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू, फटाफट आप आंसर निकालिए, हम आपके आंसर को ऑप्शन बना देंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, फटाफट बताइए बेटा, 1 है 17/15 और 1 है 27/19 और 1 है 37/15 और डी है नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन होगा, आप देखो कितना मजेदार है, जब कोई स्टूडेंट प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मैंने दिखा इस क्वेश्चन को करता है, जरा ध्यान दीजिए, जब कोई स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को करता है तो उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही होती है कि अरे log n प्लस log n कैसे लगेगा, बेस तो दोनों की डिफरेंट है, यही माइंड में आइडिया था उसका, लेकिन आज मैंने बताया देखो कोई दिक्कत नहीं, हमने बस इतना चेक कर दिया, हम दोनों को 2 की पावर में लिख सकते हैं ना 3208 को, तो क्या लिख दें 5/3, इधर क्या लिख दें डायरेक्ट बताओ 4/5, अब देखो कैसे, किसी को अगर लिखोगे तो उसको बाउंस होगा यार ये कैसे कर दिया यार, वो सोचता रहेगा, तुम आगे कैलकुलेशन करते रहोगे वो यही सोचता रहेगा ये कहां से आ गया यार ये, लेकिन आपको मालूम है ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको मालूम इसे भी 2 की पावर में लिख रहे हैं, इसे भी 2 की पावर, अगर जब हम सफल हो जाते हैं दोनों को सेम नंबर की पावर के रूप में, मतलब पावर भले डिफरेंट हो लेकिन सेम बेस में लिख लेते हैं, पावर भले डिफरेंट हो तो हमें उन पावर पर ही फोकस करना है, उन पावर का ही रेशियो करना है, ये लॉग हटा देना उन पावर का रेशियो ही आंसर हो जाता है, इधर भी बताइए समझ रहे हो ना कैसे भाई, 32 और ये बेस 8 है तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 3, तो पावर का रेशियो ही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, तो वही चीज तो डायरेक्ट कर रहे हैं, याद कीजिए ये भी आपको नोट करके लिखाया था, a की पावर m a की पावर n, जब बेस सेम रहेगा पावर भले डिफरेंट है वो पावर का रेशियो ही आंसर होगा, तो अब क्या होगा, दो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका मैंने बताया, आप दोनों का डिनोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया करो 15 और डिटरमिनेंट निकालो लेकिन बीच में प्लस लगा के, 25 और 12 कितना होगा 37, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा
चलो और आगे देखेंगे, और आगे क्वेश्चन देखेंगे। लॉग यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, आपका लॉग 9 बेस, सॉरी 27 बेस में आपका 9 प्लस लॉग 10 बेस 10, ठीक है। y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया है लॉग 32 डिवाइड में 16 प्लस का लॉग लॉग 7 3 टू द बेस 3, देन ये दिया हुआ बेटा, ये x दिया है y दिया है एंड x इज इक्वल टू लेमडा y, देन आपसे पूछा जा रहा है लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हम बना रहे हैं, आप आंसर निकालिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तभी हमारा लेमडा कैलकुलेट होगा। आपका क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताएं, आपका क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए, कितना आ रहा बेटा आंसर? 10/9। चलो ठीक है, 9/10 और 10/9, 19/9 और 10/9 और none of this, बहुत इजी है। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, घबराना नहीं, जैसे क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, यार लेमडा कैसे निकालूं सर, ने ऐसा सवाल नहीं बताया, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन आपका दिमाग तो समझ रहा है कि लेमडा कैसे निकलेगा। जब x और y निकाल लोगे यहाँ रख देना, लेमडा कैलकुलेट हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी, 3/2 प्लस उधर कितना है 1, तो x आपका आ गया 5/2। कैसे, जब दो एलसीएम लोगे तो 3 प्लस 2, ये देखे दो एलसीएम लोगे 3 और 2 5, ये हो गया। और y कितना होगा, कितना आ रहा 2, तो यहां पर लिख दो एक ऑप्शन 2, तो y इक्वल टू कितना होगा, इसे 2 की पावर में लिख दे रहे हो 5/4, दोनों को 2 की पावर में इधर 5 इधर 4, ये हो गया। और ये आपका 0 हो जाएगा ना, कैसे log 3 टू द बेस 3 1 और log 1 0 गायब। तो x की वैल्यू इतनी हो गई, y की वैल्यू इतनी हो गई, रखो x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू कितनी है 5/4, तो ये 5 से 5 कटेगा 2 दुनी 4, तो लेमडा इक्वल टू 2, यानी हमारा आंसर डी पार्ट, देख सकते हैं डी पार्ट बहुत ही आसान है क्वेश्चन की, बस प्रैक्टिस करते जाइए, आपको बस क्वेश्चन जितने ज़्यादा मिल जाए, समझो लॉग स्ट्रांग होता जा रहा है, जैसे जैसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं गजब गजब की आपको नॉलेज मिलती चली जा रही है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 8 टू द बेस 4 प्लस लॉग, आपके सामने लॉग 256 डिवाइड बेस 32, और इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है बटे 10, तीसरा ऑप्शन है 10/31, और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 4/21, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी मजा आ जाएगा, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा बेटा, चलो देखेंगे क्या होगा, जरा देखेंगे। यहां पर हमने क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखोगे, दोनों को 2 की पावर में लिख सकते हो, कितना होगा 3/2 प्लस इधर 8/5, तो दो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका 10 15 और 16 31, 31/10 कौन सा ऑप्शन, ए पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा जहां पर हमने 11 पॉइंट लिखाए थे वहां पे 12वां एक और पॉइंट, 12 लिखाए थे 11 11 हुए थे, चलो एक 12वां पॉइंट और डाल दीजिए उसमें। एक ही पावर में कभी भी लॉग लिखा हो, एक ही पावर में कभी भी लॉग लिखा हो, वही चीज है यहीं पर लिख दे रहे, एक ही पावर में लॉग लिखा है और लॉग के आगे कोई भी नंबर लिखा हो, एक्स कुछ भी लिखा हो, पॉजिटिव भी लिखा होगा, और बेस में अगर ये ए है, तो जानते हो बेटा क्या होता है,
अगर ऐसा क्वेश्चन है ए की पावर में लॉग लिखा है, ये ध्यान रखना है इनका सेम होना जरूरी है, इसका इसका सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम है तब के लिए बता रहे हैं, अगर लॉग में जैसे 3 की पावर लॉग एक्स टू द बेस 2, अब कुछ नहीं हो सकता ऐसे लिखे रहो। लेकिन अगर ऐसे लिखा है बेस में 3, या तो इसमें क्या होगा, जो लॉग के आगे लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है 7 की पावर में लॉग और यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस में 7, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसी तरह से यहां पर लिखा है 2 की पावर में लॉग और यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और बेस में लिखा है 2, तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। हम डिफरेंशिएशन में फालतू परेशान करने के लिए आपको एक सवाल दे सकते हैं, 2 की पावर लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, बताओ इसको डिफरेंशिएट करो। अब आप परेशान हो, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्ट क्या होगा, इससे क्या फायदा हो जाएगा, इस नॉलेज से ये जो है हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है और इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो याद रखना। आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसे हुआ कैसे, चलिए देखिएगा एक्सप्लेनेशन। हम जानते हैं लेट ए की पावर एक्स, ए की पावर में जो लिखा है लॉग एक्स टू द बेस ए, इसको हमने बी समझ लिया, लॉग एक्स टू द बेस ए को हमने बी समझ लिया, क्या समझ लिया, ये है ना, ये लेट कर लिया कि लॉग एक्स टू द बेस, ये जो लिखा है लॉग एक्स टू द बेस ए को हमने बी समझ लिया, क्या समझ लिया, बी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए की पावर बी, यानी ए की पावर बी इक्वल टू कितना होगा एक्स, बात वही है ना, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, जरा पावर में बी की जगह ये पुट कर दो, तो ए की पावर लॉग बी की जगह रख दो कितना होगा एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, हो गया कि नहीं हो गया, एक्सप्लेन हो गया एक्सप्लेन। तो याद रखना बेटा 2 की पावर में लॉग है, अब मुझे ये देखना है लॉग की बेस 2 तो नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, 2 की पावर लॉग बेस 2, तो जो लॉग के आगे लिखा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिख दिया 7, सॉरी मान लीजिए यहां पे लिख दिया 6 की पावर लॉग, लॉग का बेस 6 और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट बताइए, तो इसकी वैल्यू जो लॉग के आगे लिखा है वही उसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। ध्यान रखना ए की पावर में लॉग है, लॉग का बेस अगर ए है तो क्या होगा, जो लॉग के आगे लिखा है वही हमारा आंसर होगा, इतनी बात क्लियर कर लीजिए, पहले इतना समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट दिक्कत ना आए इसलिए हमने ये बता रहे, हो गया बेटा, बस सवाल देखो मज़ा लेते रहो, क्वेश्चन जितने हम कराते चले जा रहे हैं समझ लो आपको उतना गजब का फील होता चला जाएगा, आपको लगेगा अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता, बस आप समझते रहिए। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे और आप बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन दिया जा रहा है यदि इफ, अब देखो केवल ये नॉलेज ना हो तो ये सवाल बहुत ही टफ लगता है, एक्सप्रेशन टफ खतरनाक लग रहा है कि यार पावर में लॉग दिया तो दिक्कत कर रहा है। एक्स आपसे पूछ रहा है क्या होगा, चार ऑप्शन दिए हैं, एक्स स्क्वायर आपसे पूछ रहा है क्या होगा, पहला ऑप्शन 7 है, रूट 7 है और रूट 5 है और ये आपका 5 है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो बेटा बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 3 की पावर लॉग, जो लॉग के आगे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 16, तो 9 उधर ट्रांसफर होगा, 16 में 9 गया 7, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7, यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट, आंसर क्या होगा बेटा, ए पार्ट होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन लिखते जाइए, यदि ये आपको क्वेश्चन दिया है 5 की पावर लॉग और बेस में 5 है एक्स स्क्वायर
यहाँ पर लिखा है माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू दिया हुआ है 17 और आपसे पूछ रहा है देन 2x स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या होगी, इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 30। जल्दी से बताइए, दिखाई दे रहा है ना, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। कितना आ रहा बेटा, 30 कैसे आ गया, देखो इतनी वैल्यू क्या होगी, इतनी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये वैल्यू क्या है, इतना पोर्शन क्या होगा, यही तो हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर में लॉग का बेस 5 है तो इतना पोर्शन हट जाएगा, जो लॉग के आगे वही वैल्यू होगी, इक्वल टू 17। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 17 में 2 किया 15, बहुत लोगों को लग रहा होगा x निकालेंगे यहाँ रखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, 2 का गुणा कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x और 15 दूनी 30, लीजिए आंसर डायरेक्ट आ गया बिना x निकाले, यानी 30 आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रब कर दें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लॉग 27 बेस 9 इंटू लॉग 27 बेस 9 इंटू 256 बेस 32 इंटू लॉग, और ये है बेस 2 लॉग 2 बेस 8 और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ऑप्शन दिया है 1/3, 3/5 और तीसरा ऑप्शन है 4/5, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नज़र आ रहा है ना, बोलो नज़र आ रहा है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितना आएगा बेटा, तो बहुत इजी है यार ये, देखिए इसमें लिखेंगे 3/2, देखो दोनों को 3 की पावर में लिख सकते हो, पहले फील कर लो तभी ये लिखना पावर, इसकी पावर 3 बन रही होगी, इसकी पावर 2, तो वो पावर का रेशियो आंसर, इधर भी हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इधर 8 पावर इधर 5 पावर, इधर कितना होगा, इधर ये 2 की पावर में समझ लीजिए 1/3 कितना होगा 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 8 यानी 4/5 यानी ऑप्शन हमारा सी पार्ट हो जाएगा, आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और देना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लिखा है 2, 3, 4, 4, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने जैसे ये लिखा है लॉग, एक क्वेश्चन और दूसरा थोड़ा सोचना पड़ता है, जैसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप एक काम करें, एक हम आपको तरीका बताएंगे, ऐसे सवाल कभी भी हों आप ये बताइए 5 से केवल 5 को ही तो कैंसिल कर सकते हो आप। बेटा एक बात ध्यान रखना, ऐसे सवालों कैसे किया जाए जरा देखिएगा, अगर इसे डिटेल में किया जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी,
और log c अपॉन log a, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था भाई, log a टू द बेस b को क्या लिखना सिखाया था, ऊपर वाले नंबर का log डिनोमिनेटर में नीचे वाले नंबर का log, यहां से log a कैंसिल हो गया, log b से log b कैंसिल हो गया, log c कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर। तो इतना बताओ, हमें ओपन करना, आज के बाद हम ये देखेंगे a, कहीं भी दिखेगा इन नंबरों को हम काट सकते हैं, मतलब होता ऐसे नहीं है ये इस तरीके से थोड़ा ना, अगर ऐसा ये जो लिखा है आप खुद बताइए, अगर log 5 है तो log 5 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम अगर इसको काट ले रहे हैं तो इसमें log ऊपर रहेगा log नीचे, तो ये समझ लो कट गया, वो ये हो गया बी से बी ये नंबर कैंसिल हो गया, सी से जब सारे कट जाएंगे तो यानी वैल्यू क्या हो गई 1। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे ऐसे कर लेना, ठीक है, जैसे लिखेंगे log 7 इंटू log 5 और यहाँ पर 5 7, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो क्या होगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया, डायरेक्ट एक ट्रिक बना लेते हैं कोई ये सब ढूंढना, ठीक है, आंसर 1 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत इजी है, आसानी से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए बोला है ना हमने कि भाई ये चीज जो है, हम ये ए में ए को कैंसिल कर रहे हैं तो ये 1 है, लेकिन ये अगर ये नंबर ऐसे मतलब ये काट रहे हो तो ये चीज वैसे ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो सिंगल है तो उसे काट दिया करो, जैसे देखो ये लिखा है log ए बी अपॉन log ए, अब इसके हिसाब से देखा तो ए कट गया तो log बी भी गलत है ना, तो सिंगल कट रहा है तो उसे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको समझाएंगे आपको, tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree नोट कर लीजिए बेटा, .. और tan 89 degree, बहुत फेमस, बहुत ही भयंकर फेमस है ये, जितने ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम होते हैं जिनमें आती है, रेलवे हो गया जो भी है, ये सवाल बहुत घूम फिर के आता है बेटा, SSC हो गया हर जगह, 10 1 degree, 10 2 degree, 10 3 degree, 10 89 degree, बहुत फेमस है इन सब का, प्रोडक्ट 1 है, जबकि बच्चा ये सोचता है जैसे मैंने कहा 10 30 degree, 10 60 degree, भाई मान लीजिए हमने कोई 45 डिग्री और या 10 मान लीजिए आपको 15 डिग्री इनका प्रोडक्ट पूछा, तो इसकी वैल्यू मालूम होगी तभी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ना तो आपको 10 1 degree मालूम है, 10 2 degree मालूम है, लेकिन इन सब का जो प्रोडक्ट है 1, उसका रीजन क्या है, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, सेकंड फिर दूसरे नंबर पे ये गायब हो गया, फिर इधर से फिर जो इससे पहला वो भी, क्योंकि जिन दोनों को 10 के जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर, सुन लो जरा, 10 के जिन दोनों एंगल को ऐड करने पर, ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, तो जान दो क्या हो रहा है, देखिए आप, इससे जस्ट पहले वाला 1088 डिग्री रहा होगा, इससे जस्ट पहले वाला 1087 डिग्री रहा होगा, तो देखो क्या होगा, इस वाले और इस वाले 10 को मल्टीप्लाई करो जरा, 89 डिग्री और 1 डिग्री, 90 डिग्री गायब, हटाओ इसको, 1 हो गया, फिर 88 डिग्री 2 डिग्री कितना हो गया, ये भी गायब, 1 हो गया, ऐसी सब समाप्त होते चले जाए 1, लास्ट में बीच में बनेगा 10 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री के साथ 45 डिग्री जोड़ने पे 1 आएगा, तो 10 45 डिग्री तो एक रहेगा, अब वो बचा वो ही और उसकी वैल्यू 1 होती, तो इसलिए 1 हो जाता है। तो याद रखना है आप बच्चों को, याद रखना है 10 1 degree से लेकर 10 89 degree, बहुत ही फेमस है 10 1 degree से लेकर 10 89 degree, इन सब का जो मल्टीप्लाई होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता। तो सर इसमें क्या लॉग की बताने की जरूरत है, लॉग का बहुत बड़ा खेल है, क्या होगा जरा देखिएगा, 3 degree log 10 और ये कितना होगा 10 4 degree, सर इसका लॉग में कैसे इस्तेमाल होगा, अभी देखें मजा दिलाएंगे, अभी 5 degree ... 10 89 degree, इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा 1, नोट कर लीजिए फटाफट, ये हो गया। और इसी प्रकार cot के लिए भी होता है, cot 1 degree, cot 2 degree, cot 3 degree, cot 4 degree, cot 5 ... 89 degree, इन सब का भी प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है बेटा। और जानते हो बेटा ये आपका 1, सर ये log में कैसे यूज होगा, देखिए क्वेश्चन दिया है log base 2 10 1 degree
लॉग बेस टू टेन टू डिग्री प्लस लॉग बेस टू टेन थ्री डिग्री डॉट 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 प्लस, अब कितना दिया जरा देखेंगे, लास्ट में हम लिख देते हैं लॉग कितना 10 89 डिग्री दिखाई दे रहा है बेस टू, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। अब देखो कैसे क्लियर हुआ है, समझ में आया ना उसका यूज हुआ कि नहीं हुआ। देखो आपको मालूम है कई सारे लॉग जुड़ रहे हैं तो हम सिंगल लॉग बना के सबको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री और 10 89 डिग्री, ये कॉट के लिए भी यही हाल है, और इन सब का अंदर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और लॉग 1 की वैल्यू 0। इसका मतलब लॉग कई सारे जुड़ रहे हो 10 1 डिग्री से लेकर 10 89 डिग्री तक, तो उन सब का जो जोड़ होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एक प्रकार समझो 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री इन सब का प्रोडक्ट 89 डिग्री तक 1 होगा, लेकिन अगर लॉग लगा के फिर इनको जोड़ रहे होंगे लॉग 1 तो इनका समीशन क्या होगा, 0 होगा। वो मैंने फील करा दिया कैसे हुआ है, ये आप समझ गए हो, इतने समझदार इतने होनहार हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस होती रहेगी तो समझ में आने लगेगी। आगे लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन लिखिए, इसमें ए की वैल्यू बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पूछा गया है पहले, 8 बेस में रूट ए है, यहाँ पे लिख देते हैं सही से लिख दें इसको, लॉग 8 बेस में रूट ए है इज इक्वल टू 2, तो देन आपसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है क्या, ये होगा 6, दूसरा होगा 64 और 8। जल्दी से बताइए स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताइएगा बेटा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर इसका, इसका आंसर क्या आना चाहिए, कितना आ रहा बेटा, कितना आ रहा है। अरे लॉग से फ्री करो यार, 8 रूट बेस रूट ए इक्वल टू 2 है, 8 इक्वल टू कितना होगा रूट ए का स्क्वायर, भाई लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू बी है तो एक्स की पावर ए की पावर बी नहीं होगी, वही तो नहीं कहा रूट ए का स्क्वायर हो गया, ए ए इक्वल टू 8, तो कौन सा आंसर हो गया आपका, डी पार्ट हो गया आंसर। बहुत इजी है क्वेश्चन, चलो आगे लिखेंगे, सवाल करते जाओ बस, इसी से पेट भरेगा आपका, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन की जो भूख है ये सब इसी से होगा, सब कुछ खेल आपका। लिखेंगे इफ लॉग एक्स टू द बेस 8 प्लस लॉग 1/6 बेस 8 इक्वल टू 1/3, देन आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्या होगा, यहाँ पर 4 और 8 और ये होगा 12 और नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब देखेंगे यहां पर आगे बात करते हैं, तो क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सॉरी अभी x इक्वल टू कैसे लिख दिया जाए, यहां पर लिखेंगे लॉग बेस में 8 x इंटू 1/6 इक्वल टू 1/3, तो x 6 इक्वल टू 8 की पावर 1/3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, x इक्वल टू 12, यानी आपका आंसर सी पार्ट। देख सकते हो कितना यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो रही है, समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते भी रहें, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
इफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ देखो क्वेश्चन आपको हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के बता रहे हैं ताकि आपको लग रहा है यार ये अलग सवाल बताया सर ने। अब आपसे क्या पूछ रहा है देखो, देन द वैल्यू ऑफ जेड बतानी है और वो आपका ऑप्शन जो दिया है वो जरा देखेंगे, 10 की पावर z/y, जेड की वैल्यू बतानी है आपको, जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा, जेड की वैल्यू बतानी है, सॉरी एक्स की वैल्यू बतानी है। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है और जेड के टर्म में बतानी है, 10/y और 10y और नन ऑफ दीज। तो देखिए सारे ऑप्शन वाई के टर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे जेड को, एक्स को जो है वाई और जेड के टर्म में बताना है। देखिएगा ये है, देखिए इसका मतलब जेड और वाई के टर्म में बताना है, 10 की पावर z, 10 की पावर z है। अच्छा दोनों सेम हो जाएंगे, वाई की पावर जेड लिख दो नीचे, तो कैसे आएगा बताइए। देखिए इधर यहां से लिख सकते हो log एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा बेटा, 10 इक्वल टू z, एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा, 10 की पावर, एक्स निकालना तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, 10 की पावर z/y, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए पार्ट। देखिए कितना कमाल की क्वेश्चन है, सारी की सारी क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, बहुत ही आसान है। आगे ना आंसर, चलो आगे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है log if log 2 base 4 प्लस log 4 to the base 4 प्लस log x to the base 4 प्लस log 16 to the base 4 इक्वल टू 6, फिर पूछ रहा है देन log एक्स बेस 8 1/3 5/3 और 7/3 2/3 आपको आंसर पूछा जा रहा है। चलिए अब देखेंगे कैसे होगा बेटा, कैसे किया जाएगा जल्दी से बताइए, कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो इधर बेटा, पहले एक काम करें, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, सर कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, सबका बेस तो सेम है, सबको एक साथ इनटू में लिख दो। अरे डिस्टर्ब का मतलब है ये वन है ना, ये वन है लॉग फोर, तो इसको उसको हटा उधर ले जाओ, बाकी इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये वन हो गया उधर चला गया, उधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई, ये वन हो गया उधर जाएगा, 6 में 1 5 और इधर एक लॉग बना के लिख दिया लॉग 4 और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो 2 x 16 और यहाँ से कितना होगा 32x = 4 की पावर 5, ये तो होगा बेटा, ये 4 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 10। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ठीक भाई, x to the base 8, तो कोई दिक्कत नहीं, हम x निकाल लेंगे, तो ये 32 हो गया, 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 10 समझा करो आप, 4 को 2 लिखेंगे, पावर को दुगना कर दिया करो, क्योंकि जानते हो 4 को आप 2 स्क्वायर लिखेंगे तो पावर कितनी हो गई 10, तो यहाँ पर कितना होगा 32, 32 का मतलब क्या हुआ 2 की घात 5, तो 2 की घात 10 5 × 2 की घात 5, तो ये आपका कट गया, तो x = 32, तो यहाँ पर लिखोगे log 32 base 8 कितना होगा बोलो 5/2 होगा कि नहीं होगा बताइए, दोनों को सॉरी 5/3 दोनों को 2 की पावर में लिख लोगे आपको मालूम है, और ये 2 की पावर 3, तो पावर का रेशियो आंसर यानी 5/3 यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी पार्ट हो गया। देखिए कितना इजी है, देख लीजिए एक लॉग बना दिया, सबको इनटू करके लिख दिया, क्योंकि लॉग
में हम सबको ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब उन सबका बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो आगे देखेंगे, देखो कितने तब से हमने कितने सवालों की आपको प्रैक्टिस करा दी, यानी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि लॉग का आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे लिखेंगे, एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है लॉग 11/5 प्लस लॉग 1 मिनट। तो इसका आंसर बताइएगा बेस में सबके, अभी हम बता दे रहे क्या है बेस में, 14/3 माइनस का लॉग 22/15। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1, दूसरा है 0, तीसरा ऑप्शन है 2, नन ऑफ दीज है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इधर, इन सब के बेस में 7 है, चलो देखते हैं क्या होना चाहिए। आप बच्चों के हिसाब से क्या होगा, पहले क्या लगा दें, log m प्लस log n, फिर उसके बाद log में बनेगा log m माइनस log n, लेकिन आज के बाद ये हटा दीजिए कि जो आप प्लानिंग बना रहे हो पहले log m प्लस log n बना दो, गलत। आज के बाद ये वाला याद ही ना रखो, log m माइनस log n होता है, ये ना याद रखिए, ये log m माइनस log n वैसे ये होता है ना log m बाई n, ये नहीं याद रखें, हम ये समझेंगे सब प्लस वाला ही होगा। तो सर ये प्लस वाला कैसे हो जाएगा, बीच में प्लस नहीं, आपको एक ट्रिक बता दें, आप लिखा एक log लिखाओ, चाहे कई सारे log प्लस हो रहे हो माइनस हो रहे हो कुछ भी हो रहे हो, इंटू ना हो रहे हो, बस प्लस हो या माइनस हो, तो एक log बना के बेस सबका लेकिन सेम होना चाहिए, एक लॉग बना के 11/5, अब जिसके आगे प्लस है उसके आगे लॉग का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है, और जिसके आगे माइनस है तब भी इनटू ही लिखना है, और लेकिन उसके आगे वाला जो नंबर है उसको उल्टा लिख देना, बस इतना कर देना और आंसर आ जाएगा, एक लॉग में आंसर हो गया। अब देखो ये 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 2 × 11, 11 से 11 कैंसिल, और ये 3 × 5 = 15, और बेस में 7 है, लॉग 7 to the base 7 कितना होगा बोलो, 1, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, ए पार्ट यहाँ पर आंसर हो गया बेटा, यहाँ पर बहुत ही इजीली आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता आंसर में, तो देख सकते हैं कितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आगे एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर बताइएगा कैसे होगा। क्वेश्चन लिखा है 2 log 5 base 10 प्लस log 8 base 10 माइनस 1/2 log 4 base 10, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए। कैसे होगा बताओ, इसको लिखेंगे log, यहाँ पर एक बेस 10, पावर आगे लिख दोगे 25 × 8 इंटू, ये इंटू ही लिखना है, इसको उल्टा करके लिखना, ये बेस में 10 है ना, तो ये पावर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंटू लिख दिया, और ये पावर जो है उसको माइनस हटा दीजिए, पावर दे दिया अंडर रूट चार कितना होगा, तो 1/2 लिख दिया, तो ये कितना होगा 2 × 8, तो ये कितना होगा log बेस 100
100 इंटू 10 तो ये कितना होगा, 2 नहीं हो जाएगा। अरे याद कीजिए, अगर इस नंबर को कुछ पावर के, इसी के बेस की पावर के रूप में लिख दें तो पावर ही आंसर हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर तो 2 ही हमारा आंसर, तो ये 2 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है log 5, आंसर बताइएगा, बेस 3 इंटू log 27 बेस 25 इंटू log 7 बेस 49 डिवाइड में log 3 बेस 81, और इसका आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। जल्दी से सॉल्व करें, आंसर बताएं, फटाफट सॉल्व करो बेटा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 5 टू द बेस 3, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 3 की पावर में 5 की पावर में कितना होगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, समझ गए होंगे, क्योंकि इसे 3 की पावर लिख सकते हैं और इसे 5 की पावर लिख सकते हैं। log क्या होगा, 3 टू द बेस 5 इंटू कितना होगा बेटा, इसे लिखेंगे 1/2, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। इसे 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे है 2 पावर तो 1/2, और डिवाइड में से क्या लिख सकते हैं, 1/4 भाई, 3 1/4, इतने को हमने 1/4, क्योंकि ये 3 है और ये 3 की पावर 4 है, तो ये वैल्यू हो गई 1/4। तो एक काम करेंगे, ये 4 सबसे ऊपर चला गया तो ये 2 उस 4 को कैंसिल करेगा। चलो अभी देख लेंगे क्या होगा, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यानी हमारा ये जो 4 जाएगा ये 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इस 4 को कैंसिल, यानी फाइनली आंसर क्या होगा, 3। कितना इजी है, जबकि देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ एनडीए के भी क्वेश्चन बताने हैं। चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है log p प्लस log q, आपको बताना है। कभी कभी हमें ये नहीं पूछ, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या, अरे ऑप्शन में तो लिखा हुआ है, जो पूछ रहा है ऑप्शन देखो किसके टर्म में बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन दिया है log p प्लस log q इज इक्वल टू log p प्लस q, तो आपसे पूछ रहा है देन q, q पूछ रहा है, अब वो ऑप्शन आप देख रहे हो p अपॉन पी प्लस वन, दूसरा ऑप्शन है पी अपॉन पी माइनस वन, तीसरा ऑप्शन है वन माइनस पी अपॉन पी, और चौथा ऑप्शन है पी अपॉन वन माइनस पी। तो ये सारे ऑप्शन, यानी आपको क्यू की वैल्यू बतानी है, लेकिन किसके टर्म में, क्यू की वैल्यू किसके टर्म में बतानी है, पी के टर्म में। तो जल्दी से कैलकुलेट करें, यहां से मुझे जल्दी से बताएं कि क्यू की वैल्यू पी के टर्म में क्या आएगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, लॉग का बेस नहीं है, सबका बेस सेम समझ लो, ई समझ लो, लॉग यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू लॉग पी प्लस क्यू, और आपको क्या करना है, दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए, पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने कहा 3x इज इक्वल टू x प्लस 5 तो आप क्या करते हो, आपको अगर x कैलकुलेट करना है तो सारे x वाले एक तरफ लाते हो, आप किसको कैलकुलेट करना है क्यों, तो जिस जिसके पास क्यू है उनको एक तरफ लाओ, लिया इधर पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू पी, क्यू कॉमन लिया पी माइनस वन और इज इक्वल टू पी, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, ये डिवाइड में जाएगा पी माइनस वन, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन पी माइनस वन, या हमारा आंसर क्या होगा, बी पार्ट, हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, बी पार्ट होगा। चलो और आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर पी के टर्म में आंसर पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा क्यू की वैल्यू पी के टर्म में आ गई, क्यू की वैल्यू जो है पी के टर्म में आ गई। आइए
जरा एनडीए का इस क्वेश्चन पर नजर डालिए और जरा मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये एनडीए 2020 का परीक्षा का प्रश्न है और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जल्दी से आंसर निकालेंगे 1/10 log 10024 बेस 5 माइनस log और ये 10 बेस 5। आपको मालूम है 5 की पावर 5 कितना होता है, मालूम है? इसको अगर नहीं जानते हो तो याद रखना है 5 की पावर 5 कितना होता है, 125 इंटू 25, 25 पंजे 125 यानी 12, 25 दूनी 50 में 12 जोड़ोगे 62, 25 एकम 25 और 6 31, तो 3 की पावर 5 ये याद रखो, ये भी याद रखना है। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 ये आपका 125 जीपी में भी ज़रूरत पड़ती है, 5 की पावर 4 कितना होगा 625, तो वैसी 5 की पावर 5 ये होगा 31, 25, 5 की पावर 6, 5 पचे 5, 5 दूनी 10 दो 12, 5 5 6 और 5 15 16 कितना होगा 15625, 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 5 5 6 15 ये हो गया 15006, बस इतना याद रखो। तो 31 25 5 3 की पावर 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये माइनस log 10 टू द बेस, इसका आंसर बताइएगा 1/5 log 31 25 बेस 5, ये आपको आंसर बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन आपका 2, चौथा ऑप्शन 3। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे होगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है देखो इधर बेटा, अगर मैं कहूं m log a टू द पावर m, अगर मैं कहूं यहां से मैंने इसको काट दिया तो ये कोई इसका रीजन नहीं है, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वो फील करने के लिए हम बोल सकते हैं ये दोनों चीजें यहां अब नहीं दिखाई देंगी, कैसे भाई m पावर आ गया जाएगा और आपको तो इसलिए आपको यहां से इसको हटा दिया, मतलब वो कट गया, मतलब ये m आपका m दोनों सेम है तो काट दो, सो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो नहीं नजर आएगा, यानी केवल नजर आएगा log a। तो वैसे ही यहां पर भी आप इसे 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो ये पावर 10 10 कटेगा, तो केवल log 2 दिखना चाहिए आपको। इसी तरह से यहाँ पर 3 की पावर 5, तो यहाँ पर ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो अब केवल log 3 नजर आए। अब एक log में लिख दो, अब कितना छोटा बच्चों वाला सवाल हो गया, log 5 2, अब देखो इनटू में लिखना है, लेकिन क्या है माइनस, माइनस से तो क्या करोगे, बेस तो सबका सेम है ना 5, तो 1/10 और इनटू क्या होगा बोलो, इनटू कितना होगा 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ रहा है, गलत हो रहा है क्या क्वेश्चन, कहाँ पर, अच्छा ये 5 की पावर 5 ये गलत लिख दिया हमने, 3 की पावर 5 नहीं लिखेंगे, उसे 5 की पावर 5, तो ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो गया बेटा, ये भैया ये log 5 अच्छा हाँ सॉरी ये सही है, क्योंकि हम इसको आप 1 या तो डायरेक्ट लिख दो, अगर मैं इसको कैंसिल करके इसको 1 लिख देता हूँ तो फिर भैया इस log को निकाल लो, फिर प्लस 1 कर देना, लेकिन हम इसको भी एक log के अंदर लिखना चाहते तो इसको मल्टीप्लाई में लिखना होगा 5, तो लिख दिया, तो 2 पंजे 10 और 5 से 5 कैंसिल और log 1 टू द बेस क्या होगा 10, क्या होगा log 1 रहेगा तो वैल्यू 0, यानी ऑप्शन हमारा ए पार्ट आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनडीए 2021 इसी बार जो 14 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें log का पूछा गया, देखिए कितना इजी क्वेश्चन लगे, तो याद रखना अब घबराना नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें, देखो इधर अगर हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें log 256 सॉरी 256 1/8 प्लस log 1/5 32 और प्लस माइनस log जो है आपका 128 1/7 ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और यहाँ पर लिख दें आपका बेस 16 है सबका, क्या आंसर बता सकते हो, अभी ये नहीं क्वेश्चन आंसर बता सकते हो, बोलो बोलो क्या लिख सकते हो, उसे 256
टू की पावर क्या लिख सकते हो, तो एट से एट कैंसिल, टू की पावर फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, टू की पावर सेवन, सेवन से सेवन कैंसिल। अब एक लॉग बना के लिख लेते हैं, लॉग कितना होगा टू इन टू, इधर कितना होगा, इधर भी टू इन टू, इधर कितना होगा वन बाई टू, ये टू से टू कैंसिल और बेस में सिक्सटीन, तो लॉग टू बेस सिक्सटीन क्या होगा बेटा वन बाई फोर। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अब ऐसे घबराना नहीं है, बस बड़ी पावर को याद रखना है, जैसे दो की पावर दस तक याद रखा करो, 1024 होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एनडीए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, एनडीए 2021 जो कि 14 नवंबर को पूछा गया है, सेकंड पेपर है, यानी दो पेपर होते हैं जिसमें एक अप्रैल में और एक दूसरा सितंबर में, इस बार नवंबर में हुआ है, तो वो पेपर है ये। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ इफ लॉग 10 बेस 2 इंटू लॉग 10 बेस 2 प्लस लॉग 10 की पावर x बेस 10 इक्वल टू 2, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है log 10 टू द बेस 2, चौथा ऑप्शन है log 2 बेस 5। बताइए जल्दी से क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा, क्या होगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी फटाफट, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत इजी है सॉल्यूशन, देखिए बेटा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये वन हो गया, ये पूरी वैल्यू वन, वन उधर जाएगा और ये वैल्यू क्या हो गई एक्स है, तो ये वन उधर गया, ये वन हुआ, दो में एक गया एक, तो आंसर क्या होगा, ये तो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन, वन आ गया डायरेक्ट, क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे देखेंगे, अब नंबर ऑफ डिजिट वाला भी क्वेश्चन बता देते हैं आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्ट्रांग होके बैठे कोई दिक्कत नहीं, कमजोर ना बनिए। इफ ये दिया हुआ है log 2 बेस 7 इक्वल टू m और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, 2849 इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2 प्लस 2m, दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस 2m बाई 2 और चौथा ऑप्शन है 2 अपॉन 2m प्लस 1, चौथा ऑप्शन है 1 प्लस m। जल्दी से हमें इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये बताइए, ये आपको 2 बेस 7 में दिया है, देखो इधर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 29 बेस 7 ये लिख सकते हैं, लेकिन अब ये 28 किसी 2 की पावर में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 लॉग, याद रखेंगे ये बेस 7 है, इसे आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7। देखो ये समझ रहे हो ना कैसे हुआ, 7 स्क्वायर लिखोगे 49 को तो 2 पावर, क्योंकि हमें 2 और 7 में तोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख दिया, तो ये क्या होगा 1 बाई 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 बेस 7 प्लस log 7 बेस 7, तो ये तो हमारा 1, ये तो हमारा 1 हो गया, तो 1 प्लस और ये हमारा m हो गया, 1 प्लस 2 एम बाई 2, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसमें एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे,
जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेवी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन लिया आर एस अग्रवाल से ही गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है डिटो 16 सितंबर 2019 में जो नेवी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिटो आर एस अग्रवाल की किताब का है क्वेश्चन। देखिए हम ट्रिक से भी बता देंगे, कभी कभी क्वेश्चन ना बन रहा हो तो ट्रिक का भी आप लगा सकते हो। आर थ्री कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर देन लॉग ए सी प्लस का 1 हैज़ द वैल्यू, ये पूछ रहा है कौन सी वैल्यू है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है लॉग बी का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है लॉग बी, और तीसरा ऑप्शन है 2 log b, चौथा ऑप्शन है आपका log 2b। देखिए इधर बेटा क्या करना है, देखिएगा बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए बी सी हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी वैल्यू बतानी है। हम क्या करना है हमें, देखो इधर बेटा लॉग ए सी प्लस 1, एक ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं उससे तुरंत आ जाएगा, और फिर हम डिटेल में बता देते हैं। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव में लगातार 3 होने चाहिए, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते, छोटे छोटे नंबर ले लो। 0 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इसलिए 1, 2, 3 ले लिया। अब यहाँ पर हमने दिमाग लगाया, अगर मैं ए की जगह 1, सी की जगह 3 रखें तो कितना होगा, एक ए आप 1 रखिए, सी 3 रखिए, 3 और 1 4, 4 को लिख सकते हैं क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 2 log 2, और 2 log 2 का मतलब क्या, log 2 मतलब क्या हुआ, बी। देखो कोई ऑप्शन बन रहा है, ऐसे बन गया सी ऑप्शन, 2 को वापस रख दिया, मतलब 1 की जगह हमने ए रखा है, या कह सकते हो 1 को ए पुट किया है, 2 की जगह हमने बी रखा है, या बी की जगह 2 पुट किया है, सी की जगह हम सॉरी 3 की जगह हम क्या रखेंगे, सी, या सी की जगह 3 पुट कर दिया, तो 2 बना लास्ट में रख दिया। तो ये तो एक तरीका है, कोई सही नहीं है, चलो अब देखेंगे, हमने देख लिया भाई वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दूसरा तरीका क्या है, ये भी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन अब देखिए मजा आ जाएगा। यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, मान लीजिए k हो गया, ये k प्लस 1 हो गया, और उसके बाद वाला k प्लस 2, k प्लस 1 के बाद वाला प्लस 1 करो, k प्लस 2, ये हमारे 3 हो गए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सबसे पहले कह रहा है log ए सी प्लस 1, log ए का मतलब हुआ के सी मतलब के प्लस 2 और प्लस का 1, तो इसको हमने लिख दिया log k का मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले में k स्क्वायर, k का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में k 2k प्लस 1, जिसे हम आगे लिख सकते हैं log k प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे वही चीज़ आ जाएगी, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, 2 आगे आ गया log k प्लस 1, और k प्लस 1 की जगह कितना लिख देंगे, k प्लस 1 की जगह कितना लिख देंगे, स्मॉल b, कौन सा ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया, देख सकते हैं। अच्छा अब हम आपको नंबर ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ए की पावर बी टाइप का कोई नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है, क्या है फील करो, और लॉग टू की वैल्यू कभी कभी दी रहेगी, नहीं भी दी रहेगी, याद रखो 0.3010,
और log 3 की वैल्यू 0.4771 जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ डिजिट कैसे पूछ सकते हैं, इसमें क्या लॉग का यूज है अभी हम बताएंगे। देखो बेटा, आप बच्चों को बताते हैं 2 की पावर अगर मैंने कहा 5 में कितने डिजिट्स हैं, तो भाई 32। 2 की पावर 6 में 64, दो डिजिट हैं। 2 की पावर 7 में 3 डिजिट है। 2 की पावर 8 में उसमें भी 3 डिजिट है। मतलब इस नंबर को सॉल्व किया जाएगा तो वो जो नंबर बनेगा, कोई भी नंबर हम मैथ्स में लिखते हैं तो उसमें डिजिट होती कि नहीं होती, तो कितनी डिजिट का नंबर होगा, 4 डिजिट। वैसे 2 की बहुत बड़ी पावर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो उसमें डिजिट कितनी होंगी तो वही बताना। जैसे 2 की घात 10 है, कितने डिजिट होंगे, 4। तो ये तो आपको काउंट कर लिया। वैसे 2 की पावर 100, इसमें कितने डिजिट होंगे मालूम नहीं, यही हमारी मदद करेगा। कैसे, जरा देखिएगा, ट्रिक है। आप हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स पता करना चाहते हो तो एक काम करना, जो पावर है बी, पावर और उसके लॉग का मल्टीप्लाई, बेस के लॉग का मल्टीप्लाई का स्टेप प्लस 1 कर देना, इतनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती है। स्टेप एक्स जानते हो ना, 7.21, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होगा, 7। मतलब पॉइंट वाला पोर्शन हमें हटा देना है, ये पॉइंट वाला के बाद पोर्शन हटा दे, इंटीग्रल पार्ट कह सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 100, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 की घात 100 बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन उसमें कितने अंक होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या करेंगे, 100 इंटू लॉग 2 और प्लस 1, इतने डिजिट्स होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। लॉग 2 कितना है, 0.3010 और प्लस 1, ये कितना होगा, 30.10 होगा ना। yes, अरे देखो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 30.10 प्लस 1, इसका मतलब कितना होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 300 कहाँ हो जाएगा भाई, तो 31 हो गए, 31 अंक होते हैं। बड़ी सोचने गजब की बात है, 2 की घात 100 पता नहीं कितना बड़ा नंबर होगा, लेकिन उसमें जो नंबर, जितना भी बड़ा नंबर बना उसमें जो डिजिट बनेंगी वो 31 बनेंगी। आप देखिए 2 की घात 10 में चेक करो, 2 की घात 10 में कितनी बनती है डिजिट, 4 बनती है ना, जरा चेक करो ये सही कर काम कर रहा है। लॉग 2 प्लस का 1, 10 इंटू 3.010 और प्लस 1 कितना होगा, पॉइंट आगे 3 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 कितने डिजिट, सही है ना। अच्छा 2 की पावर 75 में कितने डिजिट बनेंगे बता सकते हो, बोलो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 1 आदत बना दीजिए, मतलब हम इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, स्टेप करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रल पार्ट जैसे 3.99 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 3 ले लेना, उसमें प्लस 1 कर देना, तो कितना आएगा बताओ आंसर, 75 इंटू लॉग 2 और जो भी आएगा इंटीग्रल पार्ट उसमें प्लस 1, तो 75 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई करो, 3010 75, 50 का 0, 5 एकम 5, 0 5 एकम 15 और 7 0 का 0, 7 एकम 7, 7 0 7 21, यानी कितना होगा, 0 5 7 0 5 7 और 5 1 2 यानी कितना होगा, 4, ये होगा 22.575। तो ये जो आ रहा है इसी में एक बढ़ा देना, यानी कितना होगा, 23 डिजिट होंगे। ठीक है, इसी तरह से 3 की पावर में अगर मैंने कहा 62 में कितने डिजिट है, तो 62 इंटू लॉग 3 के साथ, ठीक, उसका स्टेप कर दीजिए, मतलब वो जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसमें प्लस 1 कर देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर कोई कहेगा ऐसे कैसे कह दिया आपने 2 की पावर 100 में कितने डिजिट होंगे, देखो बताएं क्या, हमने कहा मान लीजिए ये नंबर n है, ये नंबर n होगा, तो लॉग लिया, लॉग n इज इक्वल टू लॉग
टू की पावर 100 और ये लॉग एन इंटू 100 इंटू लॉग टू, तो यहाँ पर लॉग एन इज इक्वल टू कितना होगा 100 इंटू 0.3010 तो होगा 30.10 तो लॉग एन। तो ये जो नंबर हैं लॉग की टेबल अगर आपने देखी होगी तो लॉग का एक कॉन्सेप्ट होता है 671। जैसे लॉग टेबल से देखना है तो पहले इसकी डिजिट काउंट करो कितनी है, तो हमेशा क्या लिखा जाता है मालूम है ना, लॉग टेबल में जब देखते हो कोई भी नंबर है उसका लॉग देखना है 63175, तो आप पहले इसकी डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और पॉइंट समथिंग। इसका मतलब अगर ये पॉइंट से पहले जितना इंटीग्रल पार्ट है हमेशा इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो एक ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये 30 है तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है 30 है बना है तो इसका मतलब पक्का कितने डिजिट होंगे इसमें 31 होंगे, तभी तो एक कम लिख रहे हो 30, इसीलिए +1 कर देते हैं। ठीक, तो यहां से अब लॉग का कॉन्सेप्ट हमने पूरी तरह से हर तरीके से समझ लिया है। अब आपको बच्चों को समझ में आ गया होगा कि लॉग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना, लॉग में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब लॉग बेस 3 3/11 माइनस लॉग बेस 3 2/81 प्लस लॉग, फटाफट करो जरा, बेस 3 27, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट क्या होगा, नन ऑफ दीज, जल्दी बताओ क्या होगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, अगर ये कर लिया आपने इसका मतलब आपको आ गया है क्वेश्चन। कितना आएगा आंसर, तो ये हो गया लॉग 3/11 बेस 3 इंटू 81/2 इंटू 22/27, तो ये 27 × 3 2 × 11 11 से 11 कैंसिल, लॉग बेस 3 स्क्वायर यानी कितना होगा 2 आंसर, यानी ऑप्शन ए पार्ट देख सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, और अगर मैंने एक क्वेश्चन और दिया आप बच्चों को जिसमें पूछा है आपसे पूछा है यदि इफ लॉग बी टू द बेस ए प्लस 1 इक्वल टू 2 देन ए स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है बी प्लस 1, चौथा ऑप्शन है बी माइनस 1, जल्दी बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। कितना होगा, बहुत इजी है, यहां पर लिख सकते हैं ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी, जब इसका होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2a इक्वल टू बी, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2a पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2a इनको रोक दिया, 1 उधर गया, b माइनस 1, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी पार्ट हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, एफ बस होने वाला कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन ही चल रहा है और कुछ नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है देन ए बी क्या होगा, फटाफट लिखते जाएं, नोट करते जाएं, 0, 2 और तीसरा 1, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा आंसर, क्या होगा इसको लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जब बेस नहीं लिखी तो बेस सेम समझ लो, बी बाई 2, और इसको लिख सकते हैं लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0, दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे, ए बी बाई 2 इक्वल टू 1 2 आएगा भाई, 1 कहाँ से आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे
और राइट साइड में लॉग वन, लॉग लॉग हटा देंगे, ए बी बाई टू इक्वल टू वन, तो ए बी इक्वल टू टू, यानी ऑप्शन क्या हो गया, टू हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ लॉग ए टू द बेस टू इंटू लॉग टू बेस फाइव इक्वल टू वन, देन स्मॉल ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा ऑप्शन है फोर, चौथा ऑप्शन है फाइव। एक और क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है लॉग बेस वन बाई थ्री साइन एक्स इक्वल टू टू, देन आपसे कॉस स्क्वायर एक्स पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है टू बाई थ्री, दूसरा ऑप्शन है वन बाई थ्री, और तीसरा ऑप्शन है फोर बाई थ्री, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा बताइए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टू से टू कैंसिल, तो लॉग ए टू द बेस फाइव इक्वल टू वन, ऐसे लिखते अगर लॉग लॉग काटने के बाद ये बेस इसमें आ जाएगा, ये बेस इस पे आ जाएगा, तो a इक्वल टू फाइव की पावर वन, और वो तो जान ही रहे यार, a फाइव होगा तभी तो वन होगा, सॉरी a क्या होगा फाइव होगा। इधर बताइए कॉस स्क्वायर एक्स लॉग से फ्री करोगे कितना होगा, इसको ये पावर दे दो साइन स्क्वायर एक्स, यानी वन बाई थ्री इक्वल टू क्या होगा। लॉग से फ्री करने का तरीका क्या होता है भाई, लॉग से फ्री करने का तरीका जानते हो ना, लॉग एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए की पावर बी, तो वन बाई थ्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखोगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया वन बाई थ्री, यानी कितना होगा दो बटे तीन, दो बटे तीन का मतलब ऑप्शन ए पार्ट, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। एक और देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है इफ लॉग थ्री टू द बेस टू इक्वल टू एम, देन आपसे पूछा जा रहा है लॉग सिक्सटी फोर बेस एट प्लस लॉग ट्वेंटी सेवन बेस एट की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दिया है एम, दूसरा ऑप्शन एम प्लस टू, तीसरा ऑप्शन है एम प्लस वन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसमें क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। कितना आएगा, बहुत इजी है, देखो इधर इसको क्या लिख सकते हैं, अरे आठ स्क्वायर लिखोगे ना ए, और ए की पावर एम, आठ स्क्वायर मतलब दो हो गया, कैसे देखो आठ स्क्वायर और आठ तो दो, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं तीन बटे तीन, तो ये हो गया लॉग थ्री बेस टू, ये तो हो गया, और ये टू प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है तो एम प्लस टू, यानी एम प्लस टू इसका आंसर, एम प्लस टू इसका आंसर हो गया, एम प्लस टू इसका आंसर हो गया। अब देख सकते हैं आपको लॉ का कोई भी क्वेश्चन अब परेशान नहीं कर सकता है। चलो लास्ट क्वेश्चन इसके बाद लिख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस एट है ए बाई बी माइनस लॉग सी बाई बी बेस एट प्लस लॉग फोर सी बाई ए बेस एट, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहला ऑप्शन है टू बाई थ्री, दूसरा ऑप्शन है वन बाई थ्री, तीसरा ऑप्शन है फोर बाई थ्री, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन
3 की पावर 300। बताइए भाई, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया लॉग 8 ए बाई बी सी बाई बी 4 सी बाई ए, तो कितना होगा बेटा? अच्छा गलत लिख दिया ना, इन टू लिखना है लेकिन माइनस तो उल्टा लिख दो, बी बाई सी इन टू 4 सी बाई ए, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो लॉग 4 बाई 8 क्या होगा बताओ? 2/3, दोनों को 2 की पावर में कन्वर्ट कर देना, फील हो रहा है ना, ऊपर 2 स्क्वायर लिखा होगा नीचे 3, तभी 2/3 आंसर आ गया। इधर बताइए इसमें नंबर ऑफ डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा? 300 log 2, इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसमें एक बढ़ा देंगे, और log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4771, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 कम 3, 3 7 21 और 2 23, 3 4 12 और 2 14, 2 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 143 इंटीग्रल पार्ट है, एक बढ़ा दो कितना हो गया? इंटीग्रल पार्ट 143 में एक बढ़ा दो कितनी हो गई? 144। तो इस तरीके से ये हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक वीडियो में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसको टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है।